अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और हम डिस्कशन विद प्रोफेसर नासिर हाशमी के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हैं। मुझे एक दो गुजारिशात अपने मौजूद सामईन और सुनने वालों से करनी है। पहली बात तो ये है कि ये प्रोग्रामों का सिलसिला जो हमने शुरू किया है उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि हम किस तरह अपने अमाल को बेहतर तरीके से सर अंजाम दें ताकि हमें आखिरत के अंदर वो ज़्यादा परेशानी का सामना ना हो या कम परेशानी का सामना हो। परेशानी का सामना तो होगा इंशाल्लाह, लेकिन कम परेशानी का सामना हो। तो उस सिलसिले में गुजारिश मेरी ये है कि कोशिश हम ये करेंगे डिस्कशन मौलाना का जो हो और जो हमारे सवाल जवाब हों वो इस लाइन को फॉलो करें कि हमें अपने आप को खुद कैसे बेहतर करना है, या इसके कि हम इस मसले में पड़ जाएंगे कौन जन्नत में जाएगा और वो फलां कैसे जाएगा जन्नत में जबकि वो तो यूं है। तो इन सवालात से हम अगर गुरेज करें तो हमारा टाइम बच जाएगा, क्योंकि एक घंटा 20 मिनट 25 मिनट का प्रोग्राम हो जाता है और उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसका हमारी दुनियावी जिंदगी या आखरत में बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होते वो सवाल और उनके जवाब, लेकिन उनके काफ़ी टाइम हमारा जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सवाल आया कि जो हज़रत आदम हज़रत इब्राहिम ने जब अल्लाह से कहा कि तू मार के किस तरह जिंदा करता है दोबारा, तो अल्लाह मियां ने उनको कहा कि तुम चार परिंदे लो, इनको काटो, उनके टुकड़े करो, चार दूसरी पहाड़ियों के ऊपर पहाड़ियों पे उनको रखो और फिर उनको मेरे नाम लेके आवाज़ दो तो वो उड़ के तुम्हारे पास आएंगे। ये बहुत मशहूर वाक़या है। अब उसमें सवाल ये किया गया कि जी वो चार परिंदे जो थे वो नर थे या मादा थे। तो ये सवाल, इस तरह के सवाल करने से हमारी ज़िंदगी पे, हमारे अमाल पे या आखरत पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क शायद ना पड़े। तो हम अगर कोशिश करेंगे ऐसे सवाल करें जिससे हमारे अपने अमाल जो हैं वो ज़रा बेहतर तौर पे सरंजाम हो पाए, तो यही मुझे गुजारिश करनी थी। सवालात मेरे पास काफ़ी सारे आए हैं लेकिन वो तमाम मुतफरक सवालात हैं, आज के मौजू से मुतालिक सवाल अभी तक कोई नहीं आया, लेकिन जब मौलाना साहब डिस्कस करेंगे कुछ इंशाल्लाह तो उसके बाद फिर हमारे दिमाग में अजहान में सवाल आएंगे तो हम जरूर पूछेंगे मौलाना साहब इंशाल्लाह। तो फिर आज जो है मौलाना साहब बात करेंगे शफाअत के ऊपर, तो हम खुशामदीद कहते हैं मौलाना साहब को और मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अब आप अपने ख्यालात का इजहार शफात के बारे में आपको आज करना था तो आप बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह। शफात के बारे में हमें बेशक गुफ्तगू करना थी, बहरहाल हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने मेज़बान डॉक्टर अकबर साहब का भी और अपने सामीन को भी खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि आपने ऐलान सुना कि आज हमारी गुफ्तगू का मौजू शफात है, शफात के अकीदे पर गुफ्तगू करने से पहले हम इजाज़त चाहेंगे आप लोगों से, खुसूसन अपने मेज़बान से, कि गुज़िश्ता तकरीर में हमारी गुफ्तगू जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ पर एक इबहाम सा हमें महसूस हुआ था, या ये कहें कि ये महसूस हुआ था कि शायद हम मुकम्मल तौर से अपने सामीन की तशफ़ी नहीं कर पाए। इस सिलसिले में कि नामे आमाल जो कि सीधे हाथ में मिल चुका और नामे आमाल का सीधे हाथ में मिलना गोया निजात की और परवरदिगार आलम की तरफ से एक खुशखबरी की हैसियत रखता है, तो फिर अब हिसाब किताब फिर क्यों हो रहा है? तो उसका जवाब हमने अपने तौर पर दिया था लेकिन बात बहुत ज़्यादा फैल गई थी, तो हम चाह रहे थे कि उसको समेट के सिर्फ कुरान की आयत या हदीस के ऊपर ले आए और बात जो है वो ख़त्म हो जाए, किसी किस्म का इबहाम बाकी ना रहे। तो उस वक्त तो हमने ये समझाया था कि देखिए एक बच्चा, एक तालिब इल्म अगर एक डिग्री हासिल करने के लिए कुछ इम्तिहान देता है और किसी किस्म की डिग्री के लिए 10 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट उसको पास करना है, तो हर सब्जेक्ट की अपनी हैसियत होती है। ये नहीं होता कि एक सब्जेक्ट में उसके डिस्टिंक्शन मार्क्स आ गए तो बाकी छोड़ दिया जाए, या 4 सब्जेक्ट उसने बहुत अच्छे पास कर लिए तो 2 में इम्तिहान हैं, तो कभी हम मंजिले लगाए रब की बात करते हैं, कभी ज़रात की बात करते हैं, कभी मीज़ान की बात करते हैं, कभी नामा आमाल की बात करते हैं, कभी हिसाब किताब की बात करते हैं और कभी मिर्सात की बात करते हैं। तो जाहिर है कि ये सब मराहिल हैं, सब मंजिलें हैं जिनसे हमें गुजरना है। तो अगर एक मकाम पर हम कामयाब हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि अगला वाला नहीं है। तो ये तो हमने साबित
क्या किया था बल्कि समझाया था। अब साबित करने के लिए कुरान की आयत और हदीस के ऊपर हमें आना था, तो वो उस दफा रह गई थी, वो हम इस दफा किए लेते हैं। वो ये है कि पहले तो हम एक हदीस आपके सामने बयान कर दें, और वो हदीस वो है कि जिसमें परवरदिगार आलम, जिसमें मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक बात की है, और ये कहा है कि किसी ने आपसे पूछा था कि दुनिया की कोई तारीफ करें, तो आपने फरमाया था कि इस दुनिया की क्या तारीफ करूं कि जिसके हलाल के ऊपर हिसाब है और हराम के ऊपर अजाब है। तो अब इसको अगर आप बुनियाद बनाएं तो आमाल नामे में हमें जाहिर ये लिख के दिया जाएगा कि हलाल कमाया, किस तरीके से कमाया, क्या अमल करते रहे, क्या क्या किया, लेकिन जो कमाया उसका हिसाब तो बहरहाल देना है ना। तो आमाल नामा एक अपनी जगह सब्जेक्ट हो गया, हिसाब उसके बाद वाला सब्जेक्ट हुआ। तो ये तो बात हो गई। इसके बाद हमने एक बात और चाहा था कि आपको बता दें, वो बात ये थी कि परवरदिगार आलम ने सूरह गाशिया में इरशाद फरमाया है कि इन्ना अलैना अबाब इन्ना अलैना अयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, उनकी बाजगश्त हमारी तरफ है और उसके बाद उनका हिसाब भी हमारे जिम्मे है। तो एक चीज तो हुई बाजगश्त, बारगाह खुदाबंदी में पहुंचना, और एक हुआ हिसाब देना। तो ये दो अलग अलग चीजें हो गई, और वहां पर हिसाब की बात जो है वो बाद में। अच्छा, उसके बाद एक आयत बस और पढ़ के हम गुफ्तगू खत्म कर दें कि सूरह इंशिकाक की आठवीं आयत में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिहि फसौफा युहासब हिसाबन यसीरा वयनकलिबु इला अहलिहि मसरूरा, कि वो लोग, वो शख्स के जिसका नाम है आमाल उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा, उसका हिसाब हम बहुत आसानी से लेंगे और वो बहुत खुश खुश अपने अयाल की तरफ पलटेगा। तो इसका मतलब क्या कि कुरान ये कह रहा है कि नामा आमाल पेश कर दिया गया, सीधे हाथ में दे दिया गया, लेकिन हिसाब बाकी है। अलबत्ता ये है कि जिसको सीधे हाथ में दिया गया है उसका हिसाब हल्का है, बहुत आसान है, आसानी से हिसाब हो जाएगा। तो वो फिर हिसाब के ऊपर इंशाल्लाह जब बात होगी अलग से, कभी मौका होगा, अब तो फिलहाल नहीं लगता कि हो पाएगा। वो ये है कि हिसाब की दो किस्में परवरदिगार आलम ने बयान की हैं, एक आसान हिसाब और एक सख्त हिसाब, यसीर और शदीद। तो वो मुख्तलिफ लोगों के हिसाब की मुख्तलिफ किस्में हैं, हो सकता है कि शदीद हिसाब जो है वो उन लोगों से ना हो जिनके नाम आमाल को सीधे हाथ पर दिया गया है। और फिर उसके बाद सवाल पैदा होते हैं, मगर उसको फिर इंशाल्लाह हम किसी और मौके पर लेंगे कि भाई हम चाहें कि हिसाब आसान हो तो क्या करें, हम चाहें कि हम सख्त हिसाब से बच जाएं या हिसाब किताब के बगैर जन्नत में चले जाएं, तो वो फिर अलग मसाइल हैं। अब हम आ जाएंगे अपनी शफात की मौजू की तरफ। तो शफात, जैसा कि अभी हमने कहा कि ये है हमारा असल मौजू आज का, और शफात के बारे में हम वाजे तौर पर एक चीज ये बता दें कि शफात का अकीदा मुसलमानों के दरमियान, आम मुसलमानों के दरमियान, खास मकतब तशैयों की बात नहीं कर रहे, आम मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफी है। मकतब तशैयों में इख्तिलाफी नहीं है, मकतब तशैयों में हर आलिम और हर मुहद्दिस, हर मुज्तहिद, कोई भी लफ्ज आप इस्तेमाल करें, सब ने शफात को तस्लीम किया है और बड़ी शद्दोमत से तस्लीम किया है। लेकिन आम मुसलमानों के दरमियान ये थोड़ा सा इख्तिलाफी मसला है, और इख्तिलाफी मसला इस एतबार से है कि जो लोग ये समझते हैं कि इंसान बराह रास्त अपना ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से रखता है और किसी किस्म के वसीले या किसी किस्म के रबते अल्लाह के और बंदे के दरमियान नहीं हैं, उनके लिए शफात का अकीदा रखना उनकी बुनियादी फिक्र के खिलाफ है। लिहाजा वो कोशिश करते हैं कि कुरान से शफात की नफी कर दी जाए और शफात को एक किस्म का शिर्क साबित कर दिया जाए। तो वो एक लंबी बहस है, उसमें हम नहीं जाते, लेकिन हम आपको ये बता दें कि वो आयतें जिनको वो पेश करते हैं वो बहरहाल कुरान में हैं,
और उन आयतों में वाज़े तौर पर शफात की नफी की गई है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम शफात को समझने के लिए कुरान के ऊपर गहरी नजर डालते हैं तो उस वक्त सूरत यह होती है कि हमें कुरान में शफात से मुताल्लिक जितनी भी आयत हैं, जितनी भी आयत हैं, उनको जमा करना पड़ेगा। और जब हम उन तमाम आयतों को एक जगह जमा करते हैं तो तकरीबन 30 आयतें कुरान में ऐसी हैं कि जिसमें शफात का तज़किरा हुआ है या लफ्ज़ शफात इस्तेमाल हुआ है। अब जब 30 आयतें हमारे सामने आ गईं तो जाहिर है कि फैसला हम किसी एक या दो या चार आयतों पर नहीं करेंगे, हमें सारी आयतें सामने रख के अकीदे का तायुन करना पड़ेगा। लेकिन अब इसके कि हम अकीदे का तायुन करने जाएं, शफात पर एतराज करने वाले या शफात को एक गैर माकूल चीज करार देने वाले कुरान से हट के अकली और अखलाकी दलाइल भी पेश करते हैं, और वो अकली और अखलाकी दलाइल खास जबान से आदमी पेश करे या ना करे उसके जहन में जरूर होते हैं। और उसका सबूत यह है कि हमारी गुज़िश्ता नशिस्त में हमारे बाद सामीन ने यह सवाल किया कि क्या फलां की भी शफात हो जाएगी, क्या ऐसे शख्स की भी शफात हो जाएगी, क्या जो ये करे इसकी भी शफात हो जाएगी। इसका मतलब ये कि जहन आसानी से कबूल नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों की शफात को कि जिन्होंने इस किस्म के उमूर अंजाम दिए हैं कि जिसके बाद निजात अकलन मुमकिन नहीं होना चाहिए। तो अब मिसाल के तौर पर लोग दुनिया की मिसाल देते हैं, दुनिया की एक नक्शा सामने पेश करते हैं और कहते हैं कि देखिए आपका माशरा अगर इस किस्म का हो कि वहां पर सिफारिश चलती हो, पार्टीबाजी चलती हो, और बजाय इसके कि सलाहियत देखी जाए, मेरिट को बुनियाद बनाया जाए, साहिब असर और रसूख लोग अपनी शफात के जरिए, अपनी सिफारिश के जरिए ना अहल को वो मकाम दे दें जिसका वो अहल नहीं है, और जो अहल है उसको उस मकाम से हटा दें, या ना भी हटाएं तो जाहिर है उसके लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, और शफात भी यही है कि गुनाहगारों को उठा के बख्श दिया गया जबकि वो इस काबिल नहीं थे, उनके गुनाह थे, उनके मासियतें थी, उन्होंने अच्छी जिंदगी नहीं गुजारी थी। तो ये बात अपनी जगह जहनों में आती है और ये फितरी बात है, लेकिन ये इसलिए आती है कि हमने शफात के उस मफहूम को नहीं समझा जो कुरान में है। शफात को बिल्कुल दुनिया की सिफारिश और दुनिया की जो एक गैर मसावियाना निज़ाम माशरा होता है उसके ऊपर हम लेके चले गए कि साहब सोर्स लग गई, सोर्स लगा के आदमी ने काम कर लिया, तो वो मसला नहीं है। बल्कि सूरत यह है कि कुरान में शफात के सिलसिले में जैसा कि अभी हमने कहा कि 30 आयतें आपको मिलेंगी और आयात जो हैं वो 3 किस्म की हैं। एक आयतें वो हैं कि जिसमें शफात का मुकम्मल तौर से इनकार किया गया है कि नहीं शफात मुमकिन ही नहीं है, किसी की शफात नहीं होगी, वो आयतें हम अभी हम पढ़ते हैं, और यही वो आयतें हैं कि जिनको पेश करके शफात से इनकार किया जाता है। दूसरी किस्म आयतों की और है, उसमें ऐसा है कि शफातों को या शफात को मुख्तस कर दिया गया है परवरदिगार आलम की ज़ात से कि कोई शफात नहीं करता है, शफात सिर्फ अल्लाह खुद करता है। और तीसरी आयतें वो हैं कि जिसमें शफात करने वालों का और शफात पाने वालों का तस्करा है। तो इससे यह अंदाजा होता है कि ये 3 चीजें मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये 3 चीजें मुख्तलिफ जब कुरान में आ रही हैं तो क्या कुरान में तादाद है? कभी कुरान एक बात कर रहा है, कभी दूसरी बात कर रहा है, कभी तीसरी बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि सूरत यह है कि महशर में जो लोग जमा होंगे वो बहुत तरह के होंगे, किसी के ऊपर कोई सूरत मुंतबिक होगी, किसी के ऊपर कोई सूरत मुंतबिक होगी, किसी के ऊपर कोई सूरत, कोई वो होंगे कि जिनकी शफात मुमकिन ही नहीं होगी, कोई लोग वो होंगे कि जिनको अगर अल्लाह खुद अपने फजल करम से बख्श दे या उनकी सजा को कम कर दे या उनकी जजा में इजाफा कर दे तो वो खुद उसका अमल है, लेकिन उनको ये एजाज नहीं बख्शा जाएगा कि कयामत में वो अपने आप को तनहा महसूस ना करें, बल्कि उनके दोस्त हों, उनके रफीक हों, उनके हमदर्द हों, उनकी मदद करने वाले हों। ऐसी सूरत जो है वो खास लोगों के लिए होगी, सबके लिए नहीं होगी। तो जो लोग इसके मुस्तहक नहीं है उनको अल्लाह अपने खास फजल से माफ कर सकता है या सजा कम कर सकता है, लेकिन
ये जरूरी नहीं है कि उनका कोई शफात करने वाला भी हो। तो कुछ आयतें ऐसी हैं जो उसका तज़किरा करती हैं, और कुछ लोग परवरदिगार आलम के ऐसे बंदे हैं कि जिन पर परवरदिगार आलम का ये करम है कि वो उनको रोजे महशर तन्हा नहीं छोड़ना चाहता, महशर के हॉल में उनको बिल्कुल तन्हा नहीं करना चाहता, नफ्सा नफ्सी में उनको अकेला नहीं करना चाहता, बल्कि ये चाहता है कि उनके कुछ हमदर्द हों, उनके कुछ चाहने वाले हों, या वो किसी के चाहने वाले हैं ऐसों के कि जो उनको वहां ना तन्हा ना छोड़े, वहां उनकी मदद करें, वहां उनका साथ दें, वहां उनको दिलासा दें, वहां उनकी कमी को पूरा करें, वहां उनके जो हिसाब में कमी रह गई है उसका इजाला कर दें, वगैरह वगैरह। तो वो लोग जो हैं वो शफात के मुस्तहक होते हैं। तो इस तरीके से ये तीन सूरतें बन गई। अब हम बारी बारी तीनों किस्म की कुछ आयतों की मिसालें, जाहिर है 30 आयतें तो नहीं पढ़ेंगे, 8-7-8 ही आयतें पढ़ेंगे, उसकी मिसालों के तौर पर मुख्तलिफ आयतें पढ़ देंगे। अच्छा, और आयतों में भी क्योंकि हमने अंदाजा ये लगाया कि जो लोग इनकार शफात करते हैं वो पूरी आयत नहीं पढ़ते, आयत के बीच से एक टुकड़ा पढ़ते हैं, तो हम भी बस उतना ही पढ़ के उसी के ऊपर बात कर लेंगे, या जरूरत पड़ी तो कहीं पूरी पढ़ भी लेंगे, लेकिन बहरहाल आम तौर पर सूरत यही होती है कि लोग थोड़ी सी आयत पढ़ देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सूरह बकरा की जो 48वीं आयत है, उसमें परवरदिगार आलम ने जो कुछ इरशाद फरमाया है उसमें बीच का एक टुकड़ा है कि वला युक्बलु मिनहा शफाअत, उनके लिए किसी की शफात या उसके सामने परवरदिगार आलम के सामने किसी की शफात कबूल नहीं होगी, जिससे शफात का मुकम्मल तौर से इनकार हो जाता है। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि इनकार करने वाला ये कहता है कि हम जब जानते हैं कि रोज़े कयामत जो है वो अल्लाह का दिन है, यौमुद्दीन, मालिक यौमुद्दीन है परवरदिगार आलम, कि उस दिन सिर्फ उसकी हुकूमत चलेगी, या परवरदिगार आलम ने सूरह इंकदार में कहा कि वल अम्रो यौमाइज़िन लिल्लाही, आज तो हुक्म जो है वो सिर्फ अल्लाह का है। तो अब जिस दिन का मालिक अल्लाह है, जिस दिन का हाकिम अल्लाह है, जिस दिन का हुक्म सिर्फ अल्लाह का है, उस दिन अल्लाह तो किसी को सजा दे रहा है और कोई दूसरा शख्स जाके कह रहा है कि परवरदिगार सजा को बंद कर दे, मत चला, ये हुक्म नहीं चला, इसको बचा ले, इसको इधर रख दे, इसको उधर कर दे, तो कोई क्या बात हुई, अल्लाह उसके कहने पर बदल रहा है, तो फिर ये अल्लाह मालिक कहाँ रह गया, ये तो वो हो गए जो अल्लाह को डिक्टेट कर रहे हैं, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, कुरान तो ही कह रहा है कि अल्लाह ही मालिक है यौमिद्दीन का। इसी तरीके से सूरह मोमिनून में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि उस दिन, हम तर्जमा किए देते हैं कि उस दिन लोग भागना चाहेंगे लेकिन उनकी मदद करने वाला सिवाय अल्लाह के कोई नहीं होगा। इसी तरीके से परवरदिगार आलम के लिए सूरह सजदा में कहा गया मालकुम में नू नहीं मैं वलियम वला शफी, उस दिन ना तुम्हारा कोई सरपरस्त होगा और ना कोई शफात करने वाला होगा सिवाय अल्लाह के, तो अल्लाह सरपरस्त भी होगा, अल्लाह शफात भी करेगा। इसी तरह एक किस्से और आते हैं कि जिसमें परवरदिगार आलम के लिए शफात का तस्करा हुआ है। सूरह जुमर में कहा गया कि कुल लिल्लाहि शफातु जमीअ, कह दीजिए आप के तमाम शफातें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के अलावा कोई नहीं ऐसा जो शफात करे। तो अब जब ये बात हो रही है कि सिवाय अल्लाह के कोई भी ये इख्तियार नहीं रखता कि किसी की सजा को कम करे और किसी को माफ कर दे या किसी के अजर में इजाफा कर दे, वो अल्लाह का काम है, अल्लाह करने वाला है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई शफी। अच्छा, यहां तक बात हो गई। अब उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि मिसाल के तौर पर सूरह बकरा में ही आप कहते हैं कि मंजल लजी यशफौ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, वो कौन है कि जो उसके सामने किसी की शफात करे बगैर उसकी इजाजत के, उसकी इजाजत के बगैर कौन शफात कर सकता है। तो यहां पर यह आयत का रुख बदल गया, उसकी इजाजत के बगैर कोई शफात नहीं कर सकता, शफात वही करेगा जिसको वो खुद इजाजत दे कि तुम शफात करो। तो इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह की मालिकियत भी मजरूह नहीं हो रही है और शफात भी हो रही है, लेकिन हर शख्स नहीं कर सकता, हम जिसको चाहे शफी बना लें ये मुमकिन नहीं है, शफात वही करेगा जिसे अल्लाह शफी बनाएगा, हम चाहे किसी को शफी बना लें हमारे लिए मुमकिन नहीं। जैसे बुत परस्त कहते थे
कि ये बुद्ध जो है वो हमारे शफी हैं, हमारी शफात करेंगे, उनको ये हक नहीं था कि वो जिसको चाहे शफी बना लें। शफी अल्लाह बनाएगा, जिसको अल्लाह ने नहीं बनाया उसको बनाना शिर्क हो जाएगा बेशक। अच्छा, इसी तरीके से परवरदिगार आलम ने और दीगर मौकों पर कहा, मिसाल के तौर पर सूरह सबा की 23वीं आयत में, वला तनफाउ शफातु इंदहु इल्ला लिमन अज़्ज़िना लहु, किसी की शफात काम नहीं आएगी सिवाय इसके कि जिसकी शफात का अल्लाह की तरफ से इज्न दे दिया गया हो। यानी शफात करने वालों को इज्न दिया जाएगा शफात करने वालों का करने का, और जिनकी शफात की जाना है उसका भी इज्न अल्लाह देगा कि इनकी शफात करो। उसके बाद फिर सूरह अंबिया में कहा कि वला यशफाउना इल्ला लिमन इर्तदा, उनकी शफात नहीं होगी मगर जिससे अल्लाह राजी हो, जिससे अल्लाह राजी होगा सिर्फ उसकी शफात होगी। तो इस तरीके से हमारे पास तीन किस्म की आयतें आ गईं। एक वो आयतें जिसमें परवरदिगार आलम शफात की नफी कर रहा है, एक वो आयतें जिसमें शफात सिर्फ अल्लाह के लिए है, और एक वो आयतें जिसमें शफात करने वालों का भी जिक्र है, शफात पाने वालों की भी सिफात है, और दोनों जगह पर परवरदिगार आलम की इजाजत, परवरदिगार आलम का इज्न जो है वो जरूरी है। ना अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई शफात कर सकता है और ना ही उसकी शफात कर सकता है जिसकी शफात का अल्लाह के जिम्मे अल्लाह की तरफ से हो इजाजत या हुक्म ना हो। तो इस तरीके से हमारे सवाल का ये जवाब सामने आ गया कि शफात होगी और सिर्फ उनकी होगी जिनकी शफात मशीयत परवरदिगार में है, और वही शफात करेंगे कि जिनको परवरदिगार आलम ने इज्न शफात दिया है, उसके अलावा कोई शफात नहीं करेगा, और करेगा तो उसकी शफात जो है वो कबूल नहीं होगी। अब और बात है कि इज्न शफात किसको किसको है, तो हम उमूमन वहीं पर अपना पूरा तसव्वुर ले जाते हैं, और ले जाना भी चाहिए कि जो मरकज शफात हैं, जो बुनियाद शफात हैं, यानी मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। लेकिन कुरान में फरिश्तों की शफात का भी तस्किरा है, कुरान में ज़मीन की शफात का भी तस्किरा है, और कुरान में खुद कुरान की शफात का भी तस्किरा है। वो अगर हमारे पास वक्त होगा तो सवालात में इंशाल्लाह फिर हम उसका तस्किरा कर देंगे या आइंदा किसी नशिस्त में कर देंगे। तो ये तो हो गया कुरान और शफात, लेकिन हमें आना है सिर्फ कुरान पर नहीं, हम चलते हैं अहादीस के ऊपर। अब अहादीस की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारे सामने बहुत सी अहादीस हैं, और उन अहादीस में जैसा कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुनी है जो शफातें, जो अहादीस शफात के सिलसिले में, इसमें पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत मशहूर हदीस है कि जो तमाम फरीकैन ने नकल की है, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, हमारे यहाँ भी पाई जाती है और दीगर मकातिब फिक्र के जो मुख्तलिफ सिलसिले हैं उसमें भी यह हदीस पाई जाती है, कि जिसका तर्जमा यह है कि आपने ये फरमाया कि मेरी शफात मेरी उम्मत के गुनाहाने कबीरा करने वालों के लिए है, मेरी उम्मत के वो लोग के जो गुनाहाने कबीरा करेंगे उनके लिए मैं शफात करने वाला हूँ। अब इसकी वजाहत हम हदीस की बाद में बयान करेंगे कि जो हमारे आइम्मा से सवालात किए गए कि यबना रसूलल्लाह ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स गुनाहाने कबीरा करे और पैगम्बर इस्लाम उसकी शफात कर दें, क्योंकि गुनाह कबीरा करने वाला तो अल्लाह से ही अपना रिश्ता तोड़ देता है, तो कैसे उसकी शफात की इजाज़त मिलेगी। तो उसके जवाब में आपने ये फरमाया था कि यहाँ पर उन गुनाहाने कबीरा करने वालों की तरफ इशारा है जो गुनाह करने के बाद नादिम होते हैं, क्योंकि जब नादिम होता है कोई शख्स तो परवरदिगार आलम उस निदामत को तौबा समझ लेता है। अब सवाल यह है कि निदामत क्या होती है, अमलन निदामत किसको कहते हैं, बारगाह खुदाबंदी में कौन सी निदामत कबूल होती है, ये फिर सवाल आएंगे, बात आगे बढ़ जाएगी। तो एक हदीस। अच्छा, इसी तरीके से पैगंबर इस्लाम के बारे में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई अव्वलीन व आखरीन में ऐसा शख्स नहीं है कि जो मोहताज शफात पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो। पैगंबर इस्लाम की शफात के बगैर
मुकम्मल निजात जो है वो मुमकिन नहीं है। अगर एक शख्स चाहे कि निजात कामिल हासिल कर ले और शफात पैगम्बर इस्लाम से भी बचा रहा है, ये मुमकिन नहीं है। कामिल निजात के लिए पैगम्बर इस्लाम की शफात कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाएगी। अच्छा, उसके बाद एक और मशहूर हदीस है जिसको हम पूरी नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हैं जितना ही हमारे मौजू में आती है, कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स हमारा शिया नहीं है जो चार चीजों पर ईमान न रखे। उन चार चीजों में एक चीज थी शफात मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, कि जो शख्स हमारी शफात पर यकीन नहीं रखता हम उसको अपना शिया ही नहीं समझते। अच्छा, इसी तरीके से एक बहुत ही मशहूर हदीस छठे इमाम की ही है, जिसमें आपने ये इरशाद फरमाया आखिर जनाब उम्मे हमीदा से आपकी शहादत की ताजियत की थी और उस वक्त पूछा था कि मौला ने आखिर वक्त में क्या कहा था, तो आपने ये फरमाया था कि मौला ने आखिर वक्त में ये कहा था कि हम रोजे हश्र अपने एक एक शिया की शफात करेंगे, हाँ उन लोगों को हमारी शफात नसीब नहीं होगी जो नमाज को हल्का समझते हैं, नमाज को सुबुक समझते हैं, बस नमाज को सुबुक ना समझें, नमाज को हल्का ना समझें, हम शफात करेंगे। इसी तरीके से एक और हदीस है जो हमें मिलती है आठवें इमाम से, इमाम रिजा अलैहिस्सलाम से, और वो बड़ी ही अहम हदीस है। उसमें आपने ये इरशाद फरमाया है कि हम सब कश्तिये निजात हैं लेकिन मेरे जद हुसैन इब्ने अली की कश्तिये निजात जो है उसके बारे में आपने कहा वसीउन वसरीउन, बहुत बड़ी है, बहुत वसी है और बहुत तेज है। और हमें बाज रवायात से ही पता चलता है और हम अक्सर अपनी दुआ में भी कहते हैं कि परवरदिगार हमें रोजे हर शफात हुसैन इब्ने अली नसीब कर, और जिसको शफात इमाम हुसैन नसीब हो जाए वो सबसे पहले जन्नत में चला जाए। इसी तरीके से एक हदीस और हमें मिलती है कि हम रोजे हश्र अपने शियों को मजमाए मैशर से इस तरह चुन लेंगे जैसे परिंदा खसो खाशाक में से अपना दाना चुन लेता है, मुकम्मल तौर से निकाल के अलग कर देंगे। तो वो शफात के बारे में हमारे पास हदीसें मौजूद हैं। तो जब इतनी हदीसें शफात के बारे में मौजूद हैं और कुरान की आयतें भी मौजूद हैं, तो अब सूरत यह है कि फिर हमें शफात के बारे में अकली तस्कीन कैसे हासिल हो कि भाई हम गुनाहगार भी हैं और उसके बाद भी बख्श दिए जाएंगे, हमसे गलतियां भी हुई हैं उसके बाद भी बख्श दिए जाएंगे, और क्यों बख्श दिए जाएंगे, कैसे बख्श दिए जाएंगे। तो बात यह है कि शफात की मुख्तलिफ तारीफें की गई हैं। लफ्ज शफात जो है वो शफा से बना है जिसके माने होते हैं जुफ्त यानी इवन, एक ऑड नंबर होता है एक इवन होता है, तो इवन नंबर, और उससे मुराद ये ली जाती है कि अगर एक शख्स या एक चीज अपने हुसूल मकसद के लिए किसी दूसरी चीज को इस्तेमाल करे तो उसका इस्तेमाल जो है वो शफात कहलाएगा। एक कमजोर दूसरे ताकतवर से मदद ले तो वो शफात कहलाएगा। एक आदमी डूब रहा है, दूसरे शख्स ने उसका हाथ पकड़ लिया उसको निकालने के लिए, तो ये जो अमल है इसको कहते हैं शफात, यानी एक का दूसरे से मदद लेना, इसके मानों में आता है शफात। अच्छा, दूसरी चीज एक ये कहा जाता है कि शफात जो है वो कमी को पूरा करने का नाम है। तीसरी चीज ये कही जाती है कि अगर एक तराजू के दो पल्लों में तवाजुन ना हो, कुछ थोड़ी सी कमी बेशी हो, तो जो हल्का पल्ला है उसमें एक छोटा सा वजन बांध दिया जाता है जिसे उर्दू में पासंग कहते हैं, कि जिससे दोनों पल्ले बराबर हो जाएं। अच्छा, तीसरी चीज एक ये है कि जो हमारे यहाँ अमूमन राइज है कि बाज औकात अखलाकी एतबार से किसी शख्स को लायक मदद या लायक रियायत गर्दाना जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म है, उसने 10 सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे नंबर हासिल कर लिए और
नंबर देने का या इम्तिहान लेने का मकसद ये होता है कि तालिबे इल्म अमली जिंदगी में आके कौम के वतन के और माशरे के काम आए। अब उसने 10 नंबर पर्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लिए हैं, लिहाजा अब अगर उसको मैदान अमल में छोड़ा जाए तो यकीनन वो इस जिम्मेदारी को पूरा करने के काबिल हो गया है, लेकिन एक सब्जेक्ट में उसके नंबर कम रह गए। अब मुमतहिन ने उसको फेल कर दिया, नतीजा ये हुआ कि एक साल उसका जाया हो गया और अब वो पूरा साल कौम की खिदमत करने का काबिल नहीं रहा। अगर कहीं मुमतहिन यहाँ पर उसके साथ थोड़ी सी रियायत कर देता और इस इम्तिहान के इस पर्चे को भी कुछ ग्रेस मार्क्स दे के रियायती नंबर दे के उसे पास कर देता तो वो माशरे में काम का आदमी बन जाता, क्योंकि इतनी सी कमी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, या पढ़ भी रहा था तो इतना कम पढ़ रहा था कि जो बेहतरी थी वो उससे ज्यादा थी। तो ये जो है ये अखलाकन जरूरी होता है, ये कोई किसी किस्म की बददियानती नहीं कहलाएगी, बल्कि अगर वो फेल कर दे तो उस पर ज्यादती का ये क्या तरीका भाई, इसको तो लाते इसने क्या कमी रह गई थी, इतनी सी में थोड़ी फर्क पड़ता है, तो इसको शफात कहते हैं। तो इस एतबार से शफात की तारीफ एक तो ये की गई कि शफात के माने ये हैं कि जो शख्स लायक सजा तो हो लेकिन उसकी सजा में किसी वजह से रियायत करके कमी कर दी जाए। दूसरी सूरत यह है कि एक शख्स है कि जिसके आमाल ऐसे हैं कि उसे जजा मिले और अच्छी जजा मिले, लेकिन परवरदिगार आलम का फजल इस तरह शामिल हाल हो कि उस जजा में उसके अमल से ज्यादा इजाफा कर दिया जाए, और या फिर सूरत हाल ये हो कि उसकी निजात मुश्किल हो रही हो और उसकी मदद कर दी जाए उस निजात को हासिल करने में। तो ये तीन चार तारीफें शफात की गई हैं। अब अगर हम इन तमाम तारीफों को रख दें उन तारीफों उन चीजों के सामने जिसके जरिए शफात के ऊपर एतराज किया जाता है कि साहब ये तो नाइंसाफी है, ये तो बद्यानती है, तो वहां बद्यानती या नाइंसाफी नहीं हो पाती। अच्छा, तीसरी चीज एक और बुनियादी है, वो ये है कि परवरदिगार आलम अगर अजाब देता है, अगर सजा देता है, अगर किसी के ऊपर वो गजबनाक होता है, तो उसका गजबनाक होना या उसका सजा देना जो है वो किसी किस्म का इंतकाम नहीं है। गजब इलाही इंसानों का जैसा गजब नहीं है कि हमें गजब होता है, गुस्सा होता है तो हम इंतकाम लेते हैं उससे, अल्लाह किसी से इंतकाम नहीं लेता, बल्कि परवरदिगार आलम जो सजा देता है वो भी उसकी रहमानियत ही होती है, वो भी उसका इंसाफ होता है, वो भी उसका करम होता है कि वो लायक सजा है। और महशर में उसने ऐसे कवानीन बनाए हैं कि जिन लोगों को सजा मिलेगी, जो सजा पाएंगे, खा वो मुसलमान हो, मोमिन हो, काफिर हो, मुनाफिक हो, मुल्हिद हो, मुशरिक हो, कोई भी हो, जब सजा पाएंगे तो कोई एक शख्स भी सजा पाने वाला खड़े होके ये नहीं कह सकेगा कि अल्लाह ने मेरे साथ जुल्म किया है, मेरे साथ नाइंसाफी की है। वो यही कहता हुआ जहन्नम में जाएगा कि सजा जो मैं पा रहा हूं उससे ज्यादा सजा का मुस्तहिक था, अल्लाह ने मेरे साथ रियायत करके मुझे इतनी सजा दी, वरना मैं इससे ज्यादा सजा पाता। तो ऐसी सूरत में जब परवरदिगार इतना जर्रा जर्रा हिसाब करने के बाद फजल करेगा, तो फिर वहां पर अगर कहीं उस फजल में कमी या बेशी हो रही है तो वो भी किसी किस्म की नाइंसाफी नहीं हो रही है, बल्कि अल्लाह के फजल व करम की जो फरावानी मैशर में होगी उसमें से एक चीज ये भी है। तो इस एतबार से शफाअत का वो मफहूम जो कुरान ने दिया है, ना अकली तौर के ऊपर उससे इनकार किया जा सकता है, ना अखलाकी तौर पर इनकार किया जा सकता है, और ना ही माशरे के उसूलों के मुताबिक उससे इनकार किया जा सकता है। ये हमने एक गुफ्तगू कर ली, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम 40 मिनट से ज्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे, और हमारे ख्याल से हमने ये 30-35 मिनट ही गुफ्तगू की है, थोड़ा और हिस्सा छोड़ दिया है ताकि अब जो सवाल आए उसके जवाब में बाकी चीजें वाजे हो जाएं। तो ये हमने शफात का एक खाका आपके सामने कुरान, हदीस, अखलाक, अक्ल, इन तमाम जावियों से पेश कर दिया है। अब अगर आप चाहें तो हम इसमें मजीद इजाफा करें, और चाहें तो आप सवाल कर लें ताकि फिर हम उसके जवाब में आगे बढ़ें।
अच्छा, तो सवाल मेरे पास हैं दो तीन। शुरुआत में बहुत आम से सवाल है, लेकिन मैंने कहा मैं कर ही लूँ आपसे। एक तो ये है कि आपने थोड़ा सा तो बताया कि शफात जो है किन लोगों की होगी, और वो 10 पर्चों में पास हुआ होगा, एक पर्चे में रह होगा तो उसको शफात हो जाएगी। लेकिन आम तौर पे किन लोगों को जरूरत पड़ेगी शफात की? देखिए, बात यह है कि जैसा कि अभी हमने कहा कि शफाअत की अकसाम हैं। एक लोग वो हैं कि जिनको सजा मिलना है, जहन्नम में ही जाना है, जलना है। अब उनको गनीमत क्या है? जैसे एक शख्स को मिसाल के तौर पर फांसी की सजा मिल गई, तो उसके लिए बहुत गनीमत है कि उसे फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो जाए। लेकिन एक आम आदमी को उम्र कैद की सजा मिल जाए तो ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो इस एतबार से उस शफाअत की जरूरत के जिसमें सजा कम हो रही है, उन लोगों को होगी जो बहुत ज्यादा गुनाहगार हैं। जो बहुत ज्यादा गुनाहगार हैं उनके ऊपर फजल इलाही अगर हो है किसी वजह से, वो वजूहत अभी हम आगे चल के अभी बात नहीं हुई वो करेंगे, अगर होना है तो उनकी शफाअत यह है कि उनकी सजा कम हो जाए। अच्छा, उसके बाद वो लोग कि जिनके गुनाह और सवाब इतने ज्यादा मुतफर्रिक नहीं है, या इतना ज्यादा उसमें अदम तवाजुन नहीं है, किसी हद तक वो पहुंच गए हैं, तो उनको जरूरत इस बात की होती है कि उनकी शफाअत इस तरीके से हो कि जो फैसला उनके हक में होने वाला है, मसलन ये कि आखिरकार हिसाब किताब के बाद उनको जहन्नम में जाना है। हिसाब किताब सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आखिर जाना जहन्नम में ही। वो सिर्फ इतना चाहेंगे कि कम से कम जहन्नम में ना जाए, जन्नत में जाए ना जाए बात की बात है, कम से जहन्नम से तो बच जाए। और ऐसी चीजें हैं रवायात में हमें मिलती हैं कि ऐसे मकामात भी हैं कि जो ना जन्नत है ना जहन्नम है। जैसे काफिरों के बारे में सवाल किया जाता है बाज़ औक़ात के, भाई बड़े नेक काफिर हैं, बड़े नेक आमाल कर रहे हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते बल्कि और लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। अब ठीक है, काफिर हैं, उनको हिदायत नहीं हुई, तो ठीक है, उनके नफ्स में वो बालिदगी जो जन्नत में रहने के लिए होना चाहिए नहीं पैदा हुई, लेकिन बेचारों ने कोई ऐसा काम भी नहीं किया कि उनको दोजख में डाल दिया जाए, तो जाहिर है ना वो जन्नत में जाएंगे ना दोजख में जाएंगे, बीच में आ जाएंगे कहीं। तो इस तरीके से वो शफात वो है कि जिसमें जहन्नम से बच जाए या सजा से बच जाए, ना जजा हो ना सजा हो। अच्छा, उसके बाद वो लोग हैं कि जिन्होंने नेकियां कमाई हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से एक आला दर्जा है, जिन्होंने एक शख्स जन्नत आला किस्म की बंदगी के सबूत दिए हैं, तो अब उनके लिए क्योंकि परवरदिगारे आलम के पास जन्नत में भी बड़े दर्जात हैं। एक मिसाल के तौर के ऊपर थर्ड क्लास में जा रहा है तो उसको अपग्रेड के लिए शफात है कि सेकंड में चला जाए, अपग्रेड कर दिया या जाए। सेकंड में जा रहा है उसके लिए फर्स्ट में चला जाए, ये है इसमें। अच्छा, अब ये जो ये इसमें थोड़ा सा हो गया कंफ्यूजन, क्योंकि आपने कहा कि रसूल खुदा की शफात के बगैर कोई जन्नत में जाए, रसूल खुदा सबकी शफात करेंगे, तो इसका मतलब तो ये है कि जो रसूल खुदा पे यकीन नहीं रखते वो तो आउट हो गए इस लिस्ट से तमाम के तमाम। बिल्कुल अच्छा, दूसरा आपने ये फरमाया कि आई थिंक कि छठे इमाम की आपने हदीस बयान फरमाई कि शिया जो है वो हमारी शफात, वो शिया ही नहीं है जो हमारी शफात पे यकीन ना करे, तो वो शिया की डेफिनेशन क्या है? शिया कौन है वो? सैयद मोहम्मद मुस्तकी रिजवी साहब शिया हैं सिर्फ, या और भी लोग शिया हो सकते हैं? बात ये है कि एक लफ्ज शिया, अच्छा आपने सवाल कर लिया, लफ्ज शिया हमारे पास अहादीस में भी मिलता है और तारीख में भी मिलता है। पहले तो लफ्ज शिया को देख, कुरान में भी मिलता है। तो कुरान में जब लफ्ज शिया मिलता है तो दोस्त तरफदार बेइंतहा मोहब्बत करने वाले के लिए इस्तेमाल होता है।
जैसे मिसाल के तौर पर जनाब इब्राहिम के लिए इस्तेमाल हुआ कि जनाब इब्राहिम को अल्लाह ने कहा मेरे शियों में से है, या हजरत मूसा के चाहने वालों में वो जंग का लड़ाई का किस्सा है कि एक मूसा के शियों में से था और एक मुखालिफिन में से था वगैरह। तो पहली जगह जहां लफ्ज शिया इस्तेमाल हुआ वहां पर जनाब इब्राहिम क्योंकि अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, बेइंतहा मोहब्बत करते थे अल्लाह से, लिहाजा उनकी मोहब्बत को कुरान में कई जगह मिसाल बना के पेश किया गया। और हम सारे आइमा से जो रवायात मिलती हैं उनमें भी बाज़ रवायात ऐसी मिलती हैं कि जिसमें ये पता चलता है कि हज़रत इब्राहिम अल्लाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। जैसे जनाब इब्राहिम का बेटे को कुर्बान करना, अब उसके लिए परवरदिगार आलम ने मामूली सा इशारा किया था, इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार हो गए थे। इसी तरीके से और बहुत सी रवायतें हैं, हम उसको फिलहाल छोड़ देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास अहादीस में जो लफ्ज शिया मिलता है उसमें अक्सर पैगंबर इस्लाम की ज़बानी मिलता है कि या अली तुम और तुम्हारे शिया, या अली तुम और तुम्हारे शिया। वहां पर शिया का मफहूम जो है वो मुख्तलिफ है। और जब हम किताबों में पढ़ते हैं, तारीखों में पढ़ते हैं शिया, शिया ने अली, तो वहां पर मफहूम थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है, खास तौर से अहद खिलाफत अमीरुल मोमिनीन और अहद खिलाफत इमाम हसन में शिया ने अली वो लोग कहलाते थे जो उनको खलीफा, चौथा खलीफा, या इमाम हसन को पांचवा खलीफा मानते थे। वो खलीफा के जरूरी नहीं कि वो खलीफा बिला फस्ल माने, अगर खलीफा बिला फस्ल मानने वाले शिया नहीं थे, वो थे शिया कौन जो बनु उमैया से जंग कर रहे थे, मुखालिफिन अमीरुल मोमिनीन से जंग कर रहे थे, अमीरुल मोमिनीन के साथ थे, इसलिए नहीं कि खलीफा बिला फस्ल मान रहे थे, इसलिए कि जैसे वाकई खुलाफा को माना था वैसे हज़रत अली को भी मान रहे थे। तो वो जो शियान अली तारीख में जिक्र आता है, किताबों में आता है, वो शियान अली हैं कि जो चौथा खलीफा समझ के मानते। तो इस एतबार से तारीफ शिया की अलग अलग होती जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम सिर्फ लफ्ज शिया पर बहुत ज्यादा बात करें, वरना इसके लिए तो फिर एक अलग नोटिस चाहिए होगी। तो यहाँ जब मौला ने कहा कि हमारे शिया, हमारा शिया वो है, तो वहां पर मुराद उमूमन ये होती है कि अकीदे के एतबार से, ना कि अमल के एतबार से। और अकीदे के एतबार से ये है कि जैसा कि अभी हमने कहा कि कुरान की वो आयतें कि जो मुकम्मल तौर से शफाअत की नफी कर रही हैं, उसके मिसदाक वो लोग हैं कि जिन्होंने बुनियादी चीजों को नहीं माना। जैसे मिसाल के तौर पर जो शिर्क करे या इल्हाद करे, यानी अल्लाह के वजूद को ही ना माने, या अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे, तो उसने तौहीद को नहीं माना। तौहीद को न मानने वाले से शफात की मुकम्मल नफी, नबूवत को न मानने वाले से शफात की मुकम्मल नफी, यानी पैगंबर इस्लाम की नबूवत को न मानने वाले से मुकम्मल नफी, और विलायत अहले बैत खुसूसन विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को न मानने वाले से मुकम्मल नफी। अब जिसके अंदर ये तीनों चीजें आ गई, तो अब इन तीनों चीजों को कबूल करने में उसने कितनी गहराई में जाके कबूल किया है, उसके नफ्स में किस हद तक उसका असर उतरा है, और उसके अमल में कितना उसका असर आया है, और उसने हालात का मुकाबला, मसाइब व आलाम का बर्दाश्त करना इस राह में किस हद तक कबूल किया है। एक मकाम वो होता है कि जहां पर आदमी बहुत चाहने वाला है, बहुत मोहब्बत करने वाला है, लेकिन सख्ती आई तो भाग गया, लेकिन एक मिसा में तमार है कि जबान भी काट दो, हथियार भी काट दो, तब भी नहीं हटेगा। तो इस तरीके से ये दर्जात हो जाते हैं। तो जितने बड़े दर्जे का शिया है, उतने बड़े दर्जे की उसकी शफाअत जो है वो मुतवक्के होती। नहीं, लेकिन अगर वो बहुत बड़े दर्जे का शिया है तो फिर उसको शफाअत की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना। देखिए, बात यह है कि उसकी निजात क्यों हो रही है, उसको जन्नत क्यों मिल रही है, उसको हर किस्म के रोजे महशर के हॉल से निजात क्यों मिल रही है, उसका सबब क्या है? उसका सबब मवद्दत अहले बैत ही तो है, उसका सबब उसका उसकी विलायत है, उसका सबब उसकी अकीदा नबूवत है, उसका सबब उसकी तौहीद है, उसका सबब उसका ईमान है। तो ये ईमान जो उसने अल्लाह पर रखा, उसकी वजह से उसकी निजात हुई। तो गोया उसकी निजात का सबब जो बना वो तो ज़ाते परवरदिगार आलम बनी, उसकी शफात का सबब ज़ाते पैगंबर इस्लाम बनी, क्योंकि उन्होंने ही उसको शफात के काबिल बनाए थे। देखिए, इसको हम इस तरह समझाएं,
एक हमारे पास एक मिनट मेरी बात सुनिए मौलाना, मेरे ये पहले सवाल था ना कि वो कौन लोग होंगे जिनको शफात की जरूरत होगी। शफात की जरूरत तो उसको ही होगी ना जो जो जिसमें डिफिशियंसी होगी कुछ अमाल में। अगर मैं समय तमार को भी शफात की जरूरत है, मेरे तो गया फिर तो मैं जन दो दफ के अंदर सीधा बगैर रुके। नहीं देखें, बात सुने आप, एक रवायत सुने, रोजे हश्र आबिद इबादत गुजार बे इंतहा इबादत करने वाला, बे इंतहा इबादत करने वाला बारगाह खुदाबंदी में पहुंचा, लिखाए रब की मंजिल पर आया, अल्लाह ने उससे कहा कि तू आबिद है, तूने मेरी इबादत की है, तू जन्नत में चला जा, उसको जन्नत में भेज दिया, कोई बात नहीं की उससे। एक आलिम आया अल्लाह के की बारगाह में, अल्लाह ने उस आलिम से कहा कि ए आलिम, तूने मेरे बहुत से बंदों को गुमराह होने से बचाया है, और कितने मेरे बंदे ऐसे थे कि अगर तू उनको दर्स और तदरीस ना देता, तू उनको मेरी तरफ दावत ना देता तो वो जहन्नम में चले जाते, तेरी वजह से वो जन्नत के काबिल बन गए। जन्नत के काबिल बनने का अमल उन्होंने खुद किया है, मतलब ये नहीं है कि उसने उनका अमल किया, उसने उनकी नमाजें पढ़ी, उसने उनके रोजे रखे, उसने उनका सब्र किया, ऐसा नहीं किया, सब उन्होंने खुद किया। लेकिन उनके बख्शे जाने की, उनके जन्नत में जाने की, उनके दर्जात के बुलंद होने की वजह तू बना है, अगर तू ऐसा ना करता तो वो नहीं बख्शे जाते। तो मैं अब तुझको ये एजाज बख्शता हूं कि उन सबको तू शफात करके जन्नत में ले जा, तू उनकी शफात कर, उन सबको मैं बुलाता हूं और तू कहे कि परवरदिगार इनको जन्नत दे, इनके दर्जात बुलंद कर, इनको अपनी रहमतों और बरकतों में ले ले, इनको अपने आला इल्लीन में शामिल कर ले, तो मैं तेरे कहने से करूंगा। तेरे कहने से क्यों करूंगा, किया उन्होंने खुद है, लेकिन ये सबब बना है। तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं शफात तकवीनी। ये एक अलग मसला था, हमने अभी छेड़ा नहीं था, मगर आपने सवाल किया माशाल्लाह, बड़ा अच्छा हुआ कि उसकी वजह से ये बात आ गई। ये है शफात तकवीनी के बराह रास्त शफात नहीं हुई, यानी ऐसा जरूरत नहीं पड़ी कि मौला कहें कि परवरदिगार मीसम को बख्श दे, बल्कि मीसम को जो मकाम मिला वो मौला की कुर्बत से मिला। तकवीनी तौर पर मौला का वजूद उसके इस मकाम मर्तबे तक पहुंचने का सबब बना। यह है शफात। अच्छा, तो इसका मतलब शफात तो एक तरह से फिर मवद्दत ही हो गई ना, जितना जो मवद्दत के दर्जे पे है उसकी शफात बेशक मिल रहा है कि हो गई, वहां पे उसको कोई कयामत के दिन कोई पर्चा उसको नहीं दिखाना, को पर्ची के मेरे पास ये पर्ची है मौला हजरत अली की, वो अगर मवद्दत ये है कि वो तो परवरदिगार आलम ने कहा है सूरह रहमान में कि मुजरिमीन जो है वो चेहरों से ही पहचान लिए जाएंगे। तो किसी के पास अगर सवाल है तो आप अपना हाथ बुलंद कर सकते हैं, लेकिन अगर सवाल शफात के बारे में है तो शफात के हवाले से अगर कोई सवाल है तो आप बेशक कर लें। कुछ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन अभी भी दिमाग में है मेरे भी कि ये शफात वहां पे होगी या शफात मैंने यहाँ पे हासिल कर ली शफात जब मैंने आइमा ताहरीन से मोहब्बत और मवद्दत पे अमल किया, तो फिर तो मेरी शफात ऑलरेडी हो गई। तो ये उस तरह की नहीं कि वहां दरवाजे के ऊपर कोई आपको दिखाना पड़ेगा दो आइडेंटिटी। बात सही है बिल्कुल आपकी। बात यह है कि इसको हम कहते हैं शफात दुनिया। शफात दुनिया यही है कि हमने दुनिया में अपने आप को दुरुस्त कर लिया, इस काबिल बना लिया कि हमारी शफात हो जाए, यानी हमारी निजात हो जाए। लेकिन मसला यह है कि हम खुद से नहीं कर सकते अगर परवरदिगार आलम हमारी हिदायत ना करता, हम नहीं कर पाते अगर अल्लाह निजाम तशरी कायम ना करता, हम नहीं कर पाते अगर आइम्मा अहले बैत ने ऐसे नमूने ना छोड़े होते। हमको अल्लाह के वजूद पर, अल्लाह के उस मकाम मर्तबे पर और उस हक पर जो अल्लाह का बंदों के ऊपर है, एहसास भी ना होता अगर ये हस्तियां ना होती। वो जो जोश मलियाबादी ने कहा था कि सजदों से खींचता है जो माबूद की तरफ, मस्जिद की तरफ तना जो एक इशारा है माबूद की तरफ। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि एक चीज होती है कुर्बत का असर,
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज लोग जो आपके पास बैठते थे वो ये कहते थे कि या रसूलल्लाह, जिस वक्त हम आपके पास बैठे हुए होते हैं उस वक्त हमको अपने कैफियत में कुछ ऐसी चीज महसूस होती है जो आपसे दूर जाके नहीं महसूस होती। जब हम आपके पास से उठ के चले जाते हैं, अपने कामकाज में लग जाते हैं, उस वक्त हमारे जो तवज्जोहात हैं, जो हमारे जहन की कैफियत है, वो दूसरी होती है। जब आपके पास बैठे होते हैं तो दूसरी होती है। सही। तो अब होता यह है कि अगर हमारा जहनी राबता अल्लाह की बरगुजीदा हस्तियों से होता है तो जितना गहरा होता है, जितना ज्यादा रहता है, जितने ज्यादा वक्त हम उसमें रहते हैं, उतना ज्यादा उसका असर हमारे ऊपर होता है। यही वजह है कि हमें यह हिदायत की गई है कि हमें परवरदिगार आलम से भी इतना रब्त रखना चाहिए कि हर वक्त उसको याद करना चाहिए, हर वक्त उसका जिक्र करना चाहिए, हर वक्त हमारे जहन में ये बात होना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है, हमारे तरफ मौजूद है, उसके वजूद से हम बाकी हैं, वगैरह वगैरह। और तन्हाई में अल्लाह से बातें भी करें। और यही चीज इमाम ज़माना के लिए कहा गई है कि भाई जब तन्हा हुआ कर तो मौला से बातें तो किया करो, पता तो चले कि तुम उनसे मोहब्बत करते हो, तुम्हें उनसे बात करना है, वो सुनेंगे तुम्हारी बात। तो ये चीज होती है जिसको हम कह सकते हैं कि एक असर, असर पजीरी। तो ये भी शफात है, शफात की किस्म ये भी। ठीक है, अब मैंने गुजारिश करी थी हजरात खवातीन से, लेकिन उनके पास अगर शफात पे कोई सवाल नहीं है तो मेरे पास काफी सारे सवाल आए हुए हैं मुतफर्रिक, अगर आप इजाजत दें आपको शफात पे कुछ और कहना है अभी। नहीं, शफात के ऊपर बात तो बहुत हो सकती है, लेकिन क्योंकि सवाल हैं तो पहले उनके जवाब दे दें। नहीं, शफात पे नहीं है तो मुतफर्रिक सवाल पे फिर मैं आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास काफी सारे आए हुए हैं, लेकिन जवाब मौलाना जरा मुख्तसर ही रखिएगा ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा सवाल आपसे पूछ लिए जाएं। और हजरात खवातीन को अगर मेरी आवाज आ रही है, उनके पास कोई सवाल है तो वो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या यहाँ चैट का जो है उसमें भी डाल सकते हैं, और अगर चाहें और सवाल आपके हिसाब से ज़ाहिर अच्छा ही होगा तो आप खुद भी कर सकते हैं मौलाना से अपना माइक्रोफोन ऑन करके। एक सवाल मेरे हाथ उठा हुआ है जरीन बीबी का। जी बोलिए मैडम। जी सलाम अलैकुम मौलाना साहब, आपने बहुत अच्छे से समझाया शफात और उसका उसका मतलब और मुख्तलिफ जो उसके माने हो सकते हैं और लेवल्स। आजकल आजकल के बारे में मैं जो हमें नजर आता है वो है कि हमारे शिया कम्युनिटी में लोग जो हैं अपनी सलाह, अपनी हरकतें, अपनी आदतें बेहतर नहीं करते, लेकिन मजलिस मातम में आके वो बहुत ज्यादा शो करते हैं कि उनका बहुत अकीदा है और बहुत रगबत है अहले बैत से और उनसे। तो उस तरह के लोगों की शफात का क्या सिलसिला है? मतलब एक कुछ अकीदत है उनकी, लेकिन और उनकी जो बातें हैं वो उतनी नहीं है, उस तरह की नहीं है कि वो जो सही मानों में मौला के या मानने वालों में से समझे जाएं, लेकिन है उनको अकीदत और बहुत ज्यादा वो दिखाते भी हैं अपनी अकीदत। तो इस तरह के लोगों की, उनका तो ये होता है ख्याल कि भाई उनकी बिल्कुल यही सब, ये सारी चीजें उन करने से शफात होगी उनकी, तो उस सिलसिले में कुछ बताएं। बहुत ज्यादा नजर आता है आगे पीछे, इसलिए आपने खुद ये महसूस किया कि उनको जितनी मोहब्बत और अकीदत है उससे ज्यादा जाहिर करते हैं। अब जाहिर है कि अल्लाह दिलों का हाल जानने वाला है, जितनी है उतना ही उनको अजर मिलना है, उतनी ही इस्तेहकाक पैदा होना है। जो जाहिर करते हैं उसका कुछ नहीं होना है। जैसे हम अगर रोजा रखे हुए हैं तो रोजे का सवाब होगा, और अगर हम लोगों के सामने रोजा जाहिर कर रहे हैं तो जाहिर है कि वो अल्लाह के नजदीक तो नहीं है ना। तो इसी तरीके से जाहिर जो कुछ करता है वो लोगों पर करता है, अल्लाह पर तो जाहिर नहीं करता है। अल्लाह तो उसी को जानता है जो हकीकत में है, तो जितना है उतना ही उनको उसका अजर मिलना है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये जो आपने फरमाया था ना मौलाना कि शफात, यानी कि अगर मुझे इमाम हुसैन से हकीकी मोहब्बत है या 5% 10% भी हकीकी मोहब्बत है तो ये मेरी ऑलरेडी काउंट होगी टुवर्ड्स हिज शफात, कि वो ये शफात का 5-10% मुझे उसके असरात जो है वो शफात हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। तो साजिद भाई का सवाल है कि हम यहाँ क्या करें जब हमारी आखिरत में शफात हो जाए, तो उसका यही जवाब है कि इमाम हुसैन के करीब तरीन रहने की कोशिश करें दिल और जान से। बिल्कुल, आप उनके इतना करीब हों कि हर वो काम करें जो उनको पसंद है। देखिए होता यही है कि आदमी जब किसी से मोहब्बत करता है तो उन कामों को करता है जो उसको पसंद है।
अब हमें किसी खिलाड़ी से मोहब्बत है और हम कहें कि हमें तो खेल से नफरत है, हम खेलते नहीं है, तो हो ही नहीं सकता। हमें खेल का शौक होगा जब खिलाड़ी से मोहब्बत होगी, सियासत का शौक होगा तभी सियासतदान से मोहब्बत होगी, इल्म का शौक होगा जब आलिम से मोहब्बत होगी। तो हमारी रूहानियत में वो बालिदगी होगी तभी हम मोहब्बत करेंगे, नहीं होगी तो कैसे करेंगे। बल्कि हमारी मोहब्बत जो है वो तो खुद सबूत बन जाती है ना। हम किसी शख्स को ना नमाजें पढ़ते देखा हमने, ना उसको रोजे रखते देखा, ना हमने उसको हज करते देखा, ना हमने उसको खैरात करते देखा, ना हमने और कोई नेक काम करते देखा, लेकिन ये हमें यकीन था कि ये मुहिब अहले बैत है। तो जब हम उसकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं तो ये गवाही दे देते हैं कि अल्लाह खैरा, कि परवरदिगार मैं उसके बारे में सिवाय खैर के कुछ नहीं जानता, तो खैर आपने देखी कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी मोहब्बत से आपको अंदाजा हो गया कि यकीनन इसके कल्ब में खैर है, जब ही तो ये मोहब्बत करता है। ठीक है, अच्छा एक सवाल और इसमें जिम्मी ये आ रहा है कि क्या मैं अपने लिए, तो मिसाल मैं से बना दी कोई भी आदमी अपने लिए तो दुआ करता है कि अल्लाह मियां मेरी मगफरत फरमा, और जो मैं किसी दूसरे के लिए दुआ करता हूँ जैसे मिजार सवाल पे नमाज शब में मैं नाम 40-45 नाम अगर कोई ले तो वो तो शफात के उनके अकाउंट में जा रहा है। वो बात यह है कि इस एतबार से शफात के अकाउंट में जा रहा है कि आप उनके या तो गुनाहों में कमी करा रहे हैं या उनके दरजात में इजाफा कर रहे हैं, और इस तरीके से उसका जो भी रद्द अमल हो रहा है उसमें आपका अमल शामिल हो गया, और जब आपका अमल शामिल हो गया तो वो ये इवन हो गया, जुफ्त हो गया, यानी शफात में शामिल हो गया लुग़वी एतबार से। अच्छा ठीक है, तो जो मेरी समझ में आया है शफात के मौजू पे जो आपने तमाम गुफ्तगू की वो यही है कि अगर मैं जितना सिराते मुस्तकीम पे रहने की कोशिश करूंगा तो यही मेरी शफात है, अलग से कोई शफात नहीं होगी। बिल्कुल, दरअसल यही है कि हम किस हद तक कबूल कर रहे हैं बंदगी है परवरदिगार आलम को, किस हद तक उसके बनाए हुए नबी को कबूल कर रहे हैं, किस हद तक उसके बनाए हुए वली को कबूल कर रहे हैं, और किस हद तक कबूलियत जो है हमारी वो हमारे अमल पर, हमारी नियत पर, हमारी फिक्र पर असरअंदाज हो रही है। बस ये सब कुछ जो हो रहा है ये तकवीनी तौर पर हमारी शफात हो रही है। अब तशरीई शफात वहां हो जाएगी जब हमें कहीं कमी की जरूरत पेश आएगी। अच्छा, तो फिर ये जो है कि बीबी हमारी शफात फरमाएंगी जितना मस्जिद में गिरिया करेंगे, बीबी जो है वो हमारी वहां शफात फरमाएंगी, तो वो तो ये क्या, उसको क्या कहा जाएगा? वो एक किस्म की तशरीई शफात है। बात यही है कि गिरिया जो हम करते हैं, गिरिया जो हकीकी गिरिया है वो कभी भी मस्नूई नहीं होता। नहीं, हकीकी है, बिल्कुल हकीकी गिरिया है, हकीकी होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब हकीकत में जब हमने गिरिया किया है तो ये हमारी जज्बाती कैफियत थी जिसका ताल्लुक हमारी रूह से था, और उस रूह में कोई ना कोई ऐसी पाकीजगी थी जिससे हमारा उनसे वो रब को ताल्लुक बन गया कि जो गिरिया का सबब बना। अब उस ताल्लुक को वो कितना सराहें, कितना कबूल करें। देखिए, होता यह है कि हमने आपको एक कोई छोटा सा तोहफा दिया, आपका ज़र्फ़ इतना आला है कि आपने उस तोहफे के बदले में हमको बहुत चीजें दे दी, उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा उसका जो भी आप बदल समझते थे वो दे दिया। जितना शरीफुन नफ्स शख्स होता है वो छोटी सी खिदमत को भी बहुत बड़ी समझ लेता है। जैसे परवरदिगार आलम के लिए आप कहते हैं दुआए सहर में, या मई यकबलुल यसीरा व याफू अनिल कसीरा, अरे वो जो थोड़े से अमल को कबूल कर लेता है और बहुत से गुनाहों को बख्श देता है, इतना साम करते हैं वो उसको इतना कबूल कर लेता है, एक नेकी करते हैं 10 नेकियां लिख देता है। तो बस इसी तरीके से ये हस्तियां जो हुज्जतान खुदा हैं, जमीन पर अल्लाह की मारिफत का जरिया हैं, तो इनका तरीका भी वैसा ही है जो सुन्नत इलाहिया है। तो हमने उनके साथ एक कतरा आंसू का बहा के हमदर्दी की, वो उन्हें उसके बदले में जन्नत दे दी, बहुत कुछ दे दिया, उसके बाद भी कहा ये भी कम है और ले लो। यानी हमारे पास मौका मिल, आइम्मा के तारीखों में ये मिलता है कि एक शख्स ने इमाम की मदा में एक शेर कह दिया, इमाम ने उसको लाखों रुपया दे दिया, लाखों दीनार दे दिया,
एक शेर कहने में कितनी देर लगती। तो कहने का मकसद ये कि आपके अंदर थोड़ी सी भी सिक दिल से एक चीज थी, तो अब वो उसको कितना सराहें, कितना उसका अजर दे दें, वो उनके जर्फ के ऊपर है। ठीक है, अच्छा अब एक ये इस पे बहुत बहस होगी, इस पे एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ ये कि मैं बहुत सिद्के दिल से मजलिस में गया, बहुत मैंने ध्यान से मजलिस सुनी, मौला के मसाइब पे मैं बहुत अपने दिल की गहराइयों से रोया बहुत ज्यादा, उसके बाद मैंने कमीज उतार के मातम किया, उसके बाद मैंने हलीम खाई, इस दौरान में मगरिब की नमाज मेरी निकल कजा हो गई, तो शफात में तो नहीं आएगा ये फिर मेरा बहुत सिद्के दिल से रोना और कमीज उतार के मातम करना? बात यह है कि वो रोना मातम करना जो है वो आपका एक मुस्तहब अमल था, उसका सवाब अपनी जगह है, और वाजिब के तर्क का गुना जाहिर है अपनी जगह है। अब नमाज एक ऐसी चीज है कि जिसके बारे में ये कहा गया है कि जिसकी नमाज कबूल हो गई उसका उसकी हर नेकी कबूल हो गई, और जिसकी नमाज रद्द हो गई उसकी दीगर नेकियां भी रद्द हो गई। इस एतबार से अगर हम इसको लेके जाएं तो बेशक यहाँ पर एक परेशानी आती है कि भाई जब नमाज रद्द होना तो दूर की बात है, पढ़ी ही नहीं, तो इसका सवाब फिर हमें कैसे मिलेगा। लेकिन अब होता यह है कि नमाज एक वक्त की किसी की कजा हुई और उसके बाद वो नादिम हुआ और उसने नमाज बाद में अदा कर ली या उसकी औलाद ने अदा कर ली, तो जाहिर है कि परवरदिगार आलम कोशिश ये की जो उसका समझे सुन्नत इलाहिया है वो इंसान की नेकी को बर्बाद नहीं करना चाहता, कोई ना कोई रास्ता ढूंढता है कि उसकी नेकी का अजर दे दे। तो हमें इस किस्म की चीज अपने ऊपर तो जरूर सोचना चाहिए कि देखो हमने गिरिया भी किया है, हमने मातम भी किया है, हमने सब कुछ किया है, अब हमें वाजिब तर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि इमाम को वाजिब पसंद है, तो हम इसमें इतनी कमी क्यों करें। लेकिन हाँ, दूसरे के बारे में हम ये सोचने बैठ जाएं कि साहब उसने नमाज नहीं पढ़ी है उसका गिरिया कबूल नहीं हुआ, उसने नमाज नहीं पढ़ी उसका मातम कबूल नहीं हुआ, ये हमें हक नहीं है। सही बात है, ठीक है, क्या मालूम उसकी कौन सी नेकी परवरदिगार को पसंद है। सही। नहीं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं मुतफर के सवाल पे आ जाता हूँ, अब किसी के अच्छे एक नदीम भाई का हाथ उठावे। जी फरमाइए हुजूर। सलामकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। असल में तो जो मैं सवाल करना चाह रहा था वो डॉक्टर मोहम्मद अकबर के सवालात में कुछ ना कुछ उसका हिस्सा हो ही गया है, लेकिन बहरहाल मैं जहाँ तक समझा हूँ कि शफात है रसूल अल्लाह और हमारे 14 मासूमीन की हमारी मदद आखिरत में, तो इस ज़िंदगी में अगर उनकी मदद आए हमें या हम दुआ करते हैं, क्या इसको भी शफात कह सकते हैं? इसके बाद भी एक सवाल है, मैं बात करूँगा। जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा ये बताइए कि क्या बरज़ख में भी कोई मासूमीन की तरफ से रसूलुल्लाह की तरफ से कोई मदद आ सकती है, हमारी शफात हो सकती है? जहां तक मदद आने का ताल्लुक है उससे तो हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन एक हदीस इमाम की हमारे सामने है जिसमें आपने ये कहा कि मैशर में तो हम तुम्हारी शफात करेंगे लेकिन अपने बरज़ख की खबर लो। ये आपने जिक्र किया था पहले। तो इससे ये पता चलता है कि बरज़ख में, क्योंकि बात यह है कि हमारे बास गुना ऐसे हैं कि जिनके असरात के जायल होने के लिए सजा चाहिए, बगैर सजा के वो जायल होंगे नहीं, जन्नत के काबिल हम बन नहीं पाएंगे। तो अब परवरदिगार ये चाहता है कि मोमिन को सजा जो दे या तो दुनिया में दे दे, क्योंकि दुनिया की सजा जो है वो हल्की होती है, सख्त से सख्त सजा भी हल्की होती है। दुनिया में अगर आप किसी की गर्दन भी उड़ा दें तो एक लम्हे की तकलीफ होगी, जब मर गया तो किस्सा खत्म हो गया, लेकिन आखरत की या बरज़ख की जो तकलीफ है वो इससे बहुत ज्यादा है। तो इसलिए अल्लाह चाहता है कि मोमिन की जो सजा है वो दुनिया में ही टाल दे, और अगर दुनिया में नहीं पूरी हो सकी है, तंगी रिस्क में भी उसको रखा, बीमारियों में रखा, मसाइल में रखा कि भाई सजा खत्म हो, कि इसके गुनाह खत्म हो जाए, नहीं हुई तो फिर उसकी मौत की सख्ती को बढ़ा दिया, वो भी नहीं हुई तो फिर बरज़ख में उसको अजाब में दे दिया। अब बरज़ख में यानी मरने के बाद से लेके कयामत तक मिसाल के तौर पर वो दोज़ख में जलता रहा, यानी दोज़ख बरज़खी वाली बरज़ख नहीं, आखिरत में होगी वो दोज़ख, यानी बरज़ख के जहन्नम में जलता रहा, अब उसका अजाब खत्म हो गया तो मैशर में बस सुरखरू उठेगा, वहां उसको कुछ नहीं सजा मिलेगी। लेकिन अगर बिलफर्ज उसकी सजा इतनी ज्यादा थी कि वहां के बाद भी गुनाह उसके ऐसे थे कि वहां भी पूरे नहीं हुए, तो फिर मैशर में कोई
थोड़ी बहुत सजा उसे मिलना पड़ेगी, भुगतना पड़ेगी, उसके बाद उसकी शफात होगी। नहीं, लेकिन उनका सवाल ये था कि बरजख में जो मैं जल रहा हूँ उसमें वहां पे मुझे कोई पर्ची नहीं मिलेगी शफात की। वही वाली बात है कि बरजख में भी शफात का वो मफहूम हमें दर हदीस में रवायात में नहीं मिलता जो आखिरत में मिलता है। ठीक है। अच्छा, और किसी का सवाल है तो ठीक है, वरना मेरे पास जो लाइन लगी हुई है सवालों की, वो मैं सवाल मौलाना से करना शुरू करूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि ऑलरेडी एक घंटा और अब 15 मिनट हो गए हैं, और मेरी कोशिश होगी कि 1.5 घंटे से ज्यादा, 1 घंटा 40 मिनट से ज्यादा ना हो ये। अच्छा, तो मौलाना साहब पहला सवाल ये है जो हमारी मोहतरम खातून ने भेजा था कराची से, कि हमारे आइमा जो थे इमाम हजरत अली मसाले तौर पे या इमाम हसन, उनके जमाने में तो दुनियावी खिलाफत उनके हाथ में नहीं थी, तो जमात की इमामत तो खलीफा ही वो करता होगा आपको जो भी था उस वक्त, तो ये इन्होंने जमात की नमाज पढ़ी इन लोगों ने उनके पीछे या नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी, गोशा नशीनी की जिंदगी गुजारी थी अमीरुल मोमिनीन ने इब्तदाई जमाने में, और उसके बाद जो तीसरी खिलाफत थी उसमें मदीने ही छोड़ दिया था, मदीने से बाहर एक करिये में चले गए थे जहां इमाम ज़ैनुलाबदीन अलैहिस्सलाम चले गए थे उस वक्त के जब मुसिफ इब्ने उबा ने मदीने पर हमला किया था और जंग हर्रा हुई थी, वाकई हर्रा हुआ था, उस वक्त आप मदीने में नहीं थे, तो वो इलाका वहां चले गए थे जहां अमीरुल मोमिनीन तीसरी खिलाफत में थे और मदीने में आना जाना बहुत कम होता था। बाद में जो आइम्मा आए उनके साथ, कुछ आइम्मा का जमाना ऐसा गुजरा कि जो जिंदानों में गुजरा, जैसे चौथे इमाम का जिंदगी में एक हिस्सा जिंदान में गुजरा एक दफा करबला के बाद एक साल तक, उसके बाद फिर दोबारा कैद किए गए थे फिर छोड़ दिए गए थे, या फिर आपके सातवें इमाम का बहुत बड़ी जिंदगी का हिस्सा जिंदान में गुजरा, 11वें इमाम 10वें इमाम ये जिंदान में रहे। नहीं नहीं, लेकिन बात नहीं थी मौलाना, बात ये नहीं थी कि आइमा को हक नमाज पढ़ने का मौका मिला या नहीं मिला। अब हजरत अली के जमाने में पहली खिलाफत, दूसरी खिलाफत, चले तीसरी खिलाफत में जो चले गए थे, पहली दूसरी खिलाफत में तो वो मदीने में थे ना, तो उन्होंने कोई जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ी, कोई ईद की नमाज नहीं पढ़ी, और अगर उन्होंने नहीं पढ़ी तो जो और लोग थे उनके शियाने अली उस वक्त जो थे उन्होंने भी जमात की नमाजें नहीं पढ़ी। ये हमारा बहसियत शिया एक बात हम कर रहे हैं, अगर हम इसको आम मुसलमानों की तारीख पर ले जाएं तो फिर वो बहुत तफसीली गुफ्तगु करना पड़ेगी, तारीख से साबित करना पड़ेगा, लेकिन हम बहसियत शिया ये बात जानते हैं कि इमाम मासूम जो है वो गैर मासूम के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता, चाहे वो जुमे की हो चाहे कोई भी हो। अच्छा ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि वो जो मशहूर वाकया है जो हमने पढ़ा है और यहाँ पे हमारे यहाँ मजलिस पढ़ने के लिए आए थे मौलाना, उन्होंने भी जिक्र किया था कि एक जमात के अंदर हजरत अली थे अबू बकर के पीछे बैठे हुए और डिसाइड ये हुआ था कि खालिद बिन वली जो है वो सजदे में, मेरे ख्याल कैस सलीम बिन हिलाली की किताब में है ये वाकया, और ये डिसाइड हुआ था कि इनको गर्दन हजरत अली की मार दी जाएगी, लेकिन ये कि वो उस पर इतना कपकपी तारी हुई खलीफा के ऊपर कि उसने वो जो यूं इधर कर करके कहते हैं कि जो मैंने तुमसे कहा था मत करना, जो मैंने तुमसे कहा था मत करना, ये पूरा किस्सा उन्होंने यहाँ मजलिस में पढ़ा है मौलाना ने, तो ये इस तरह ये सब यानी कि वो फिक्शन है। ये बात यह है कि यह किस्सा है, मशहूर है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी तरफ से पढ़ा, यह किस्सा मशहूर है। किस हद तक सही है, क्योंकि इसमें सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, ये बात यह है कि जब घर के ऊपर यह बात तय हुई थी कि कत्ल कर दिया जाएगा, तो अस्मा बिनते उमैस ने कुरान की एक आयत अपनी एक कनीस को सिखाई और कहा कि ये आयत जाके अमीरुल मोमिनीन के सामने पढ़ दो। उस आयत का तर्जमा यह था कि तुम्हारे कत्ल का मंसूबा बना दिया गया है, तुम अपनी हिफाजत करो। तो आपने उसके जवाब में दूसरी आयत पढ़ के भेजी थी कि ये इस काम को करने में कामयाब नहीं हो सकते, इनके बस में की बात नहीं है, ये भी मशहूर है। लेकिन सूरत ये थी कि जैसा कि आपने सुना है और समझा है, ये वाकया जिस तरीके से लिखा है मशहूर है वो बेआईन ही सही है या किसी हद तक सही है, ये फिर एक अलग बहस है। लेकिन आपका हुजरा जो था अमीरुल मोमिनीन का, वो मस्जिद से मुलाक था और मस्जिद से दरवाजा भी था, और नमाजों के औकात जाहिर है कि अव्वल वक्त पर नमाजें होंगी, और अमीरुल मोमिनीन ऐसा तो नहीं करेंगे कि फरादा नमाज पढ़ें तो अव्वल वक्त ना पढ़ें बाद में किसी वक्त पढ़ें, और इस किस्म की कोई सूरत हाल पैदा हो सकती है कि हुई हो कि नमाज के औकात पर आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया हो,
दूसरी चीज एक यह है कि क्योंकि इमाम के ऊपर बाज इल्जाम भी लगाए जाते थे और मुख्तलिफ तरीके से आपको सताया जाता था, तो उसमें एक चीज ये कि किसी तरीके से ये साबित किया जाए कि अली ने मिल्लत इस्लामिया को छोड़ दिया है, यानी ये नहीं कि उनको छोड़ दिया है, मिल्लत इस्लामिया को छोड़ दिया है और शायर इस्लामी को छोड़ दिया है, इस किस्म के इल्जाम भी लग सकते थे। उसके लिए कोई बईद नहीं है कि मौला कहीं ऐसी जगह पर अपने हुजरे में या अपने जो आपका रहने की जगह थी उसके इस मकाम पर नमाज पढ़ें कि जो जमात के करीब आ जाए, या कभी एक मर्तबा इस इल्जाम को रद्द करने के लिए ऐसा किया हो, तो ये मुमकिनात में से है, लेकिन हम बिल्कुल इसको ये कहें कि हाँ ऐसा हुआ था यकीनन, ये जरा मुश्किल है। अच्छा ठीक है। अच्छा तो ये हमारे जो है जिस तरह मक्के मदीने में लोग जाते हैं तो वो वहाँ जमात की नमाज के अंदर फरादा नियत करके, मैंने कई दफा पढ़ी है फरादा की नियत करके, तो इसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है कि हजरत अली ने या इमाम ने या खलीफा वक्त के पीछे नमाज यानी मैंने ये सुना था कि वो शायद ये लिंक है कि वो इमाम नमाज पढ़ते थे लेकिन फरादा की नियत से पढ़ते थे हजरत अली खासतौर पर जमात के अंदर। ये बात देखिए मुमकिनात में से है, लेकिन हमेशा पढ़ते थे ये नहीं हो सकता। फुरादा की नियत करके अपनी नमाज कभी पढ़ ली हो या जिस दिन यह वाकया पेश आया था उस दिन पढ़ ली हो, या कभी जब ऐसी सूरत हाल पेश आती हो कि आप पर ऐसा इल्जाम लगेगा तो वो उसको रद्द करने के लिए पढ़ लेते हो, ये एक अलग मसला है। लेकिन इसके ऊपर कोई इतनी ज्यादा तहकीक कि हम आपको एक एक मौके का बता सकें वो फिलहाल नहीं है हमारे पास, करना पड़ेगा। जमात से पढ़ना वाजिब नहीं है, जमात का सवाब है, फजीलत है, लेकिन ये वाजिब नहीं है कि आप जमात से ही नमाज पढ़ें। नमाज आपको पढ़ना है, आपके घर के बराबर में मस्जिद है और वहां नमाज हो रही है, आपका नहीं दिल चाह रहा है, आप घर में पढ़ रहे हैं, तो कोई गुनाह नहीं है, नमाज तो आपकी हो गई, ये नहीं कि नमाज बातिल हो गई, या नमाज आपकी मस्जिद में हो रही है और आप सहने मस्जिद में या किसी और मकाम पर मस्जिद के नमाज पढ़ रहे हैं जहां नमाज जमात की नहीं हो रही है, तो कोई उसमें गुनाह नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। अलबत्ता एक चीज ये होती है कि हमारे यहाँ एक तरीका खासतौर से हमारे शिया माशरे में ये हो गया है कि हम पेश इमाम के बारे में ज्यादा हसास हैं और ये कहते हैं कि भाई उसका आदिल होना जो है इसमें शक नहीं, शरायत में है पेश इमाम का आदिल होना, लेकिन आदिल होने का मतलब ये कि हम उसकी बुराई से वाकिफ ना हो, यानी पेश इमाम का आदिल होना इसी हद तक वाजिब है, हमें अपने आदिल होने की बात एक अलग है कि हमें अपने आदिल होने के लिए कैसा होना चाहिए कि भाई आदिल होना हमारे पर भी तो वाजिब है ना, जरूरत नहीं कि खाली पेश इमाम आदिल हो हम आदिल ना हो, आदिल तो सबको होना चाहिए। आदिल हकीकी आदिल वो है जिसके नामा अमाल में गुनाह ना हो, सिरे से हो ही नहीं, उसका नाम है अमाल अगर किसी वक्त भी निकाल लिया जाए जिंदगी के किसी हिस्से में भी लाकर पढ़ा जाए तो उसमें गुनाह ना हो, वो होता है आदिल। लेकिन इमाम आदिल जब हम नमाज पढ़ाने वाले को कहते हैं तो वहां मुराद ये होती है कि कोई उसके गुनाह से वाकिफ ना हो, यानी उसका गुनाह मशहूर ना हो। तो अब हमें अगर उसके गुनाह के बारे में नहीं मालूम है तो हम उसको आदिल समझ के उसके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, हम ये क्यों फर्ज करने जाए कि वो आदिल नहीं होगा। हमारे यहाँ अक्सर लोग कुछ इस मामले में ज्यादा हसास होते हैं कि नहीं फलां को हम आदिल नहीं समझते हैं, हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, चलिए साहब नहीं पढ़ेंगे। अब आप जब ये करेंगे कि वो नमाज पढ़ा रहा है, आप उसी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और अलग खड़े होकर पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आप अपने अमल से इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि वो आदिल नहीं है, तो ये किस्म की गीबत कर रहे हैं ना आप उसकी। तो इसको खत्म करने के लिए ये कहा जाता है कि भाई आप नहीं पढ़ना चाहते उसके सामने पीछे, आपको नहीं तसल्ली है, नहीं पढ़े क्योंकि वाजिब तो नहीं है कि उसके पीछे पढ़े, लेकिन कम से कम खड़े तो इस तरह हो जाएं कि ये ना लगे कि आप उसकी गीबत कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मक्का मदीना में जो पेश इमाम है वो तो सब वहाबी है ना, लेकिन वो वहाबी होने इसका मसला नहीं है, पेश इमाम वहाबी हो सकता है, उनके हाथ तो आदिल होना जरूरी नहीं, हर एक नमाज पढ़ा सकता है। नहीं, अब मैं गया हूँ ना वहाँ उमरा करने के लिए, अब मस्जिद नबवी के अंदर जुमे की नमाज हो रही है तो मैं जुमे की नमाज पढ़ूंगा ना जाके जमात के अंदर, वो जोरैन की नमाज हो रही है। हाँ, जोरैन की नमाज या मगरिबैन की या कोई भी नमाज अगर वहां आप पढ़ रहे हैं,
अव्वल तो ये कि आपकी नमाज का सवाब इसलिए बढ़ रहा है कि आप उस हरम में पढ़ रहे हैं, दूसरे इसलिए बढ़ रहा है कि अव्वल वक्त पढ़ रहे हैं। अब अव्वल वक्त वहां हो रही है जमात की नमाज और उसके पीछे नमाज आप पढ़ना नहीं चाहते, तो आपने फुरादा की नियत कर ली। तो बात यह कि नमाज तो आपको अव्वल वक्त भी मिल गई और हरम में मिल गई। ठीक 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 है। अच्छा, अब एक सवाल ये था नदीम भाई का, मैं पूछ लेता हूँ। ये उन्होंने जिक्र किया है सूरह मरसलात, मरसलात कोई सूरह मरसला जी, उसमें 50 आयतों में से 10 आयतों में ये तकरार की गई है कि कयामत के दिन को झुठलाने वालों को बहुत बुरा भला क्या कहा गया है 10 मरतबा। ये सूरह रहमान के अंदर एक तकरार है, कई सूरह रहमान में भी की गई है। तो ये इसकी कोई खास वो है यानी तफसीर इस बात की, 10 मरतबा क्यों अल्लाह मियां ने 50 में देने के 20% जो। हाँ, तीन आपको मुख्तलिफ मुकामात मिलेंगे, गालिबन 3 सूरों में तकरार है। बात यह है कि तकरार का लफ्ज हम सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वही जुमला दोबारा इस्तेमाल किया गया, लेकिन असल में ये तकरार नहीं है। आप एक गजल पढ़ें, एक सलाम पढ़ें, एक और कोई नज़्म पढ़ें, तो क्या होगा कि रदीफ हर दफा आएगी कि नहीं? हाँ, रदीफ तो आएगी हर दफा आएगी। क्या आप उसको तकरार कहेंगे? नहीं, लेकिन फिर वो रदीफ बाकी सूरतों में तो एक ही दफा आई। नहीं नहीं, बदला समझाया नहीं हमने। देखिए, एक लफ्ज या एक जुमला अगर आप किसी एक ही बात को बताने के लिए कह रहे हैं, किसी एक ही तनाजुर में कह रहे हैं, तो वो तकरार होगी। और अगर हर दफा तनाजुर बदल जाए तो वो तकरार नहीं होगी, बल्कि उसका रब्त उस चीज से हो जाएगा। सही। तो ये हमारा ये ख्याल था कि शायद इस बात की बहुत ज्यादा अहमियत है, इस वजह से अल्लाह मियां ने बार बार जिक्र किया है इस बात का कि जो कयामत के दिन को झुठलाने वाले हैं उनके ऊपर। देखिए, अहमियत होना अपनी जगह है यकीनन, अगर अहमियत नहीं होती तो परवरदिगार आलम बहुत सी ऐसी बातें ना उठाता जिसकी तकमील इस जुमले पर होती। ठीक है, वो एक अलग मसला। ठीक है। अच्छा, अब ये सवाल एक और था हमारी मोहतरम खातून का कराची से, कि ये जो इंसान साहब को बारे अमानत दिया गया था, क्या वो उसको इख्तियारी था या उस पर थोपा गया ये? देखिए, वो आयतें जो हैं कुरान की और उसमें परवरदिगार आलम ने जो बात की है कि हमने अपनी अमानतों को जमीन और आसमान के सामने रखा, लेकिन वो मुतहम्मिल नहीं हुए और इंसान ने उस अमानत को उठा लिया। इंसान जालिम और जाहिल है, इंसान जालिम है जाहिल है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि कब हुआ था ऐसा, कहाँ हुआ था, कब अल्लाह ने अमानत आसमान और जमीन के सामने रखी, आसमान और जमीन अल्लाह के सामने कहाँ खड़े हुए थे, वो अमानत क्या थी, कैसे अल्लाह ने उनके सामने रखी और कैसे उन्होंने कहा कि परवरदिगार हम तो नहीं उठा सकते, तू ये क्या कर रहा है, ये क्या चीज हमको दे रहा है। बात अल्लाह की और जमीन और आसमान के दरमियान हो रही थी, कहीं से इंसान कूद पड़ा, उसने खट से उठा ली, जबकि इंसान का कोई वहां बातचीत थी नहीं थी, अल्लाह की और जमीन और आसमान के दरमियान बात हो रही थी। तो बात यह है कि इस किस्म की जितनी आयतें होती हैं उसमें इंसान की सरिश्त और इंसान की फितरत को बयान किया जा रहा होता है कि क्या चीजें इंसान की सरिश्त में अल्लाह ने दाखिल की हैं। वाकई में कोई इंसान वहां पर नहीं कूद पड़ा था, और अगर कूद भी पड़ा तो एक था ना, हर इंसान पर कैसे लाजिम आ गया। तो बात यह है कि परवरदिगार आलम ने इंसान के अंदर ये सलाहियत रखी है, बल्कि बहुत सी ऐसी सलाहियतें रखी हैं जो दूसरी मखलूकात में नहीं है। उन सलाहियतों को मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ तरीकों से पेश किया गया। अल्लाह की अमानत के बार को उठाना या ना उठा सकना, ये इंसान के अंदर अल्लाह ने एक ऐसी सलाहियत दी थी कि इंसान को अपने लिए खल्क किया था, इंसान को अपनी उबूदियत में आजमाया था, इंसान को बंदगी का जो शऊर अता किया था उसको एक ऐसा हदफ दिया था कि इंसान उसमें
इजाफा करते 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 उस मकाम पर पहुंच जाए कि अल्लाह उससे ये कहे कि मैंने ऐ बंदे मैं आज तुझको अपना जैसा बना रहा हूँ, जो तू कहेगा वो हो जाएगा, कुन फयाकुन की मंजिल पर ला रहा हूँ। तो ये जो है ये बुलंदगी इंसान की और उसकी रफ़त जो अल्लाह ने उसकी सरिश्त में रखी है उसके इशारे और कनाए हैं, ना कि वाकई में ऐसा कभी हुआ था। अच्छा, अब एक सवाल और ये भी है कि कहा जाता है कि बुराई को हाथ से रोको वरना जबान से रोको, और वरना कम से कम बुराई को दिल में तो बुरा समझो, तो और ये मगर ये जो है ये सबसे कम दर्जा है ईमान का, तो ये इसकी थोड़ी सी वजाहत फरमा दीजिए, इसका किसका क्या मतलब है? देखिए, बात ये होती है कि हमारे पास एक चीज है अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, ये वाजिबात में से है, लेकिन इसके महल हैं, हमेशा वाजिब नहीं है। अमर बिल मारूफ हमेशा वाजिब नहीं है, नहीं अनिल मुनकर इसी तरीके से हमेशा वाजिब नहीं है, हर शख्स पर वाजिब नहीं है, वक्त मौके महल के एतबार से वाजिब है। अच्छा, अब बुराई को रोकना, बुराई को वही रोक सकता है कि जो रोकने की ताकत रखता हो। बुराई माशरे में हो रही है तो उसको रोकने का तरीका कुछ और होता है, ये नहीं एक शख्स कोई बुराई कर रहा है तो आप जाके उसका हाथ पकड़ लेंगे, माशरे में बुराई हो रही तो हाथ तो नहीं पकड़ा जाएगा, वो माशरे की सलाह करना पड़ेगी आपको। इसी तरीके से किसी अकीदे में बुराई है तो वो आपको हिकमत से, अक्ल से, दलील से उसको रोकना पड़ेगा। तो रोकने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं और बुराई की भी मुख्तलिफ कैफियतें होती हैं। अब कोई बुराई ऐसी हो रही है कि जो कोई शख्स इंफरादी तौर पर कर रहा है और आप उसको रोक सकते हैं, तो भी जरूरी नहीं कि आप उसका हाथ पकड़ें तो वो रुक जाएगा, आपको उसको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो ये चीजें जो हैं वक्त मौके और महल के लिहाज से आपको ये तालीम दे रही हैं कि आप बुराई के फैलने पर राजी ना हो, जितनी आप में सकत है उतना उसको रोकने से बचाएं, उसको बढ़ने से बचाएं, और जहां आपकी ताकत नहीं है वहां आप उसमें खुद जम ना हो जाएं, बल्कि उसको बुरा समझें, उससे अलहदगी रखें। नहीं, लेकिन अगर मेरे बस में कुछ नहीं है मौलाना, तो फिर भी ये कमजोर तरीन दर्जा क्यों करा दिया जा रहा है ईमान का इसको? भाई, कमजोर तरीन इस वजह से करार दिया जा रहा है कि सिर्फ आपने अपने आप को बचाया, बाकी तो किसी एक को भी ना बचा पाए। तो मेरे अगर आप 10 को बचा लेते तो इससे मजबूत तरीका होता, और आप 100 को बचा लेते तो उससे मजबूत होता, सबको बचा लेते तो उससे मजबूत होता, इसमें आपने सिर्फ अपने आप को बचाया। एक ही आदमी को बचाए, लेकिन मेरी कुदरत इतनी थी, उससे कुदरत नहीं, मैं जावलों का गलवान पकड़ लूंगा। मकसद ये कि आपका अमल तो बहुत बड़ा अमल है, लेकिन नतीजा तो बहुत छोटा ही सा है ना, कि आप एक आदमी बचाए। आपके अमल का अल्लाह कितना भी अजर दे दे आपको, वो एक अलग मसला है। ठीक, लेकिन उसको कमजोर ईमान, दो अलग अलग चीजें हैं ना। ठीक भाई, काम तो आपने थोड़ा सा किया है, अब अल्लाह अजर उसका बहुत ज्यादा दे दे, उसको कमजोर कर नहीं सकते थे। इसलिए कह रहा है कि उसका जो नतीजा निकला वो ये निकला कि एक आदमी बुराई से बचा। ठीक है, अच्छा, अब काफी टाइम हो गया तो जल्दी जल्दी बता दीजिएगा कि सलावत का क्या मतलब है, जो हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये हम क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, ये दुआ है, ये क्या है? ये अल्लाहुम्मा जो है ये दुआ का एक अंदाज है, अल्लाह को पुकारने का, जैसे हम हर दुआ के शुरू में कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, परवरदिगार मैं तुझसे सवाल करता हूँ, या अल्लाहुम्मा तफालतु बिकिताबिका, या किसी तरीके से भी आप अल्लाह से जब को जैसे मुखातिब होते हैं तो ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये तरीका इस्तेमाल करते हैं अल्लाहुम्मा हर्फ निदा के तौर पर। तो ये तो आप एक दुआ कर रहे हैं, और दुआ जो है वो क्या है कि आप अल्लाह से रहमत तलब कर रहे हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाह से रहमत तलब करना ये है आपकी सलावात। अब अल्लाह ने जो आया दुरूद में कहा है कि इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लुना अलन नबी, अल्लाह भी दुरूद भेज रहा है और मलाइका भी दुरूद भेज रहे हैं, तो वहां पर सूरत यह है कि मलाइका दुरूद भेज रहे हैं, मोमिनो तुम भी दुरूद भेजो, तो हर शख्स का दुरूद भेजना जो है वो उसके किरदार के मुताबिक है। मोमिन दुरूद भेज रहा है तो अल्लाह से दुआ मांग रहा है, फरिश्ता दुरूद भेज रहा है तो रहमत को पहुंचा रहा है, अल्लाह दुरूद भेज रहा है तो रहमत अता कर रहा है। अच्छा,
तो हम जो दुआ कर सलवात पढ़ते हैं वो गोया उनके लिए रहमत को तलब करते हैं। अब एक बड़ी मिसाल दी थी अल्लामा मजलिसी ने कि भाई रहमत तलब कर रहे हैं आप और मोहम्मद आले मोहम्मद के लिए तलब कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि देखिए होता यह है कि एक बस्ती है, उस बस्ती में सैकड़ों की तादाद में मकान है, हर मकान को पानी की जरूरत है। अब बस्ती बसाने वाले ने क्या किया कि दरिया से पानी को एक नहर की शक्ल में ऐसी जगह तक पहुंचाया कि जहां पानी जखीरा हो जाए, और उस जगह को इतना बुलंद रखा कि वहां से पानी जब नशेब की तरफ जाए तो आबादी जो हो वो उस मकाम से थोड़ी बस्ती में हो, थोड़ा नीचे हो। अब उस जमाने में कोई वो शावर वगैरह इस तरीके के तो जैसे अब हम इस्तेमाल करते हैं नहीं होते थे, घरों में हाउस में पानी पहुंचाना होता था। तो वहां से आपने उसको नशेब में रखा और उस नहर जो थी वो लाके उस जखीरे में मिला दी जहां पर पानी जमा हो रहा है, और वहां से हर घर में आपने पानी का निजाम जो है वो पहुंचा दिया, तो हर घर में पानी पहुंच रहा है। तो अब हुआ क्या कि अगर वो दरिया जो है वो आप घरों में मोड़ देते, घरों की तरफ ले जाते तो घर में तो सैलाब आ जाता। उसको एक ऐसी जगह जमा किया जिसमें इतना जर्फ है कि वो उसको वसूल कर ले और वहां से दूसरी जगह पहुंचा दे। तो बस रहमतें जो हैं उनको परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में वो जर्फ है कि जो रहमतें परवरदिगार आलम को न सिर्फ महफूज कर सकता है बल्कि उसको लोगों तक पहुंचा सकता है हस्ब जरूरत और हस्ब इत्तेआत। तो इस तरीके से एक निज़ाम दुरूद कायम कर दिया। ये उनकी एक मिसाल थी अल्लामा मजलिसी की। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये दुआ है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो हम अल्लाह मियां से कह रहे हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भेज। हाँ अल्लाह से हम कह रहे हैं, हम अगर कहें कि हमारे ऊपर दुरूद भेज, नहीं लेकिन वो तो भेज ही रहे हैं दुरूद, मेरे कहने से भेजेगा क्या, वो तो खुद ही कह रहे हैं भेज रहा है, लेकिन ये कि आप उसमें शामिल हो गए तो उस फजीलत में आप भी हिस्सेदार हो गए, आप नहीं शामिल होंगे तो नहीं होंगे। अच्छा नहीं लेकिन ये हम पढ़ते ना फातिहा से पहले तीन मरतबा, फातिहा के बाद तीन मरतबा एंड ऑल दैट, तो ये तो दुआ ही है फिर, ये तो कोई और चीज है। बात ये है कि दुआ जो हम बारगाह खुदाबंदी में करते हैं उसकी कबूलियत, वैसे तो हमारा ये ईमान है कि परवरदिगार दुआओं का कबूल करने वाला है और उसने खुद भी कहा है कि मैं दुआओं को कबूल करता हूँ, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा। लेकिन मुमकिन है कि हमारी दुआओं में कोई ऐसी कमी रह जाए कि जिसकी वजह से कबूलियत के दर्जे तक ना पहुंचे। तो अगर हम दुरूद पढ़ते हैं तो दुरूद के लिए अल्लाह का वादा है कि उसको जरूर कबूल करेगा, उस दुआ को लाजमन कबूल करेगा। तो अब हमने किसी अमल से पहले भी दुरूद पढ़ लिया और बाद में भी पढ़ लिया तो पहले वाला भी कबूल हो गया, बाद वाला भी कबूल हो गया, बीच वाला तो अब परवरदिगार आलम बीच वाला जाए तो खुद ही निकल जाएगा, खुद ही निकल जाएगा। ठीक है अच्छा चलिए अब एक दो सवाल और है, मैं फटाफट में कर लूं क्योंकि एक घंटा 42 मिनट हो गए। अब एक ये सवाल है कि वो रसूल अल्लाह का ये कहना था कि भाई ये रसूल जो है वो कुछ नहीं कहता मगर वही उसके ऊपर नाजिल होती है, वही के अलावा ये कुछ नहीं कहता ना, वो है ना मा यंतकुलु मा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा नजम की आयत है। तो ये सिर्फ रसूल अल्लाह तक महदूद है या क्योंकि रसूल अल्लाह ने कहा कि हम 14 के 14 जो हैं वो मोहम्मद हैं तो ये 14 के 14 के ऊपर ये सादिर होती है आयत? देखिए बात ये होती है कि हम जब कहते हैं कि ये हस्तियां जिनको अल्लाह ने रसूल ने कहा कि हम सब मोहम्मद हैं ये मासूम हैं, पहली चीज तो हमारा अकीदा ये है। अच्छा दूसरा अकीदा यह है कि जिस तरह परवरदिगार आलम ने पैगंबर इस्लाम के लिए कहा कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा, इसी तरह बाकी मासूमीन के लिए और खुद रसूलुल्लाह के लिए भी, यानी रसूल पूरे 14 मासूमीन के लिए कहा कि वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम कुछ चाहते ही नहीं हो सिवाय इसके कि जो अल्लाह चाहे। तो जिसमें ये मलिका हो कि वो अल्लाह की मशीयत के अलावा कोई ख्वाहिश ही ना रखता हो तो जाहिर है वो जो भी बात करेगा वो वही करेगा जो अल्लाह चाहता है। सही है, तो ये इन पे ये उनके लिए एक्सटेंड होती है 14 मासूमीन तक, 14 मासूमीन पर। अलबत्ता 14 मासूमीन का मलाइका से क्या ताल्लुक है, क्या वास्ता है, क्या मलाइका नाजिल होते हैं या नहीं होते, ये एक बहुत ही अहम और अलग मज़मून है
इसके ऊपर कभी इंशाल्लाह नुज़ूल मलाइका पर बात करेंगे तो कर लेंगे। बहरहाल आपने जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के नामों में मुहद्दसा सुना है, मुहद्दसा जिसका ये मुअन्नस का सीगा है जिसका मुज़क्कर है मुहद्दस। एक लफ्ज होता है मुहद्दिस, मुहद्दिस होता है जो इल्मे हदीस का माहिर होता है, उसका आलिम होता है, और मुहद्दस हदीस कहते हैं बात करने को। मुहद्दस जिससे बात की जाए, मुहद्दस उसको कहते हैं जिससे फरिश्ते बात करते हैं। फरिश्तों का बात करना और वही का नाजिल होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। वही की दो किस्में हैं, वैसे तो वही की बहुत किस्में हैं, यानी बुनियादी तौर पर मानवीय एतबार से दो किस्में हैं। नुज़ूल वही की किस्में बहुत हैं, लेकिन मानिए वही में दो किस्में हैं। आम मुसलमान उसको कहते हैं वही मतलू और गैर मतलू, और अक्सर हमारे उलमा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वही तशरी और वही गैर तशरी। तो वो वही के जिसको वही मतलू या वही तशरी कहा जाता है, वो वही की वो किस्म होती है कि जो सिर्फ अंबियाए साहिबान शरीयत के लिए है, यानी परवरदिगार आलम की किताब या सहीफा जब नाजिल होता है तो वही मतलू नाजिल होती है। जैसे रसूलुल्लाह के ऊपर वो वही के जिससे कुरान की आयतें नाजिल हो रही हैं वो वही मतलू है, लेकिन वो वही के जिसमें रसूल तालीम किताब व हिकमत दे रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने ये कहा है कि कुरान की तफसीर भी हमारे जिम्मे, वमा अलैना बयाना, इसकी तफसीर भी हमारे जिम्मे है। तो अल्लाह तो नहीं करेगा, रसूल करेगा। तो रसूल जब तफसीर करेगा वो भी दरअसल अल्लाह ही की तरफ से करेगा, जो अल्लाह चाहता है वो करेगा, लेकिन अल्फाज जो है वो रसूल इस्तेमाल करेगा। तो रसूल की अहादीस जो है वो वही गैर मतलू है। इसी तरीके से एक चीज है जिसको हम हदीस कुदसी कहते हैं, उसमें थोड़ा सा और फर्क है, वो भी इंशाल्लाह वही की बातों में किस्मों पर बात होगी तो हम समझाएंगे कि वही मतलू क्या है, कुरान की आयतें क्या है, कुदसी क्या है, हदीस रसूल क्या है और हदीस मासूम क्या है। ठीक है, और ये जब इमामत पे बात करें तो उसके अंदर भी कुछ इमाम इंशाल्लाह जब इमामत पर बात करेंगे तो इमाम के लिए मासूम ने खुद इमाम ने आइम्मा को मुखातिब करके जब ज्यारत में अल्फाज इस्तेमाल किए, जुमले इस्तेमाल किए, तो अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुवा व मादनुर रिसाला व मुख्तलिफुल मलाइका व महबतुल वही व खुज़ानुल इल्म, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो इसकी तशरीह क्या है और कैसे ये खुज़ान इल्म है, कैसे ये वही का मरकज है, ये सब बाद में बात करें। अच्छा चलिए, जल्दी जरा जल्दी जल्दी बताइए मुख्तसरन के मुवद्दत और मोहब्बत में क्या फर्क है। मोहब्बत जो है वो एक जज्बाती कैफियत है, मोहब्बत एक जज्बाती कैफियत है जिसमें अक्ल को दखल होना जरूरी नहीं है। अगर हमको आपसे मोहब्बत हो गई तो जरूरी नहीं है कि अक्ल का तकाजा भी ये हो कि हम आपसे मोहब्बत करें, लेकिन मवद्दत जो है वो एक अकली फेल है, यानी वो मोहब्बत जो तकाजा है अकली हो, यानी अक्ल इसकी इजाजत दे। यही वजह है कि हमारे यहाँ मोहब्बत या हुब के अल्फाज इस्तेमाल जरूर हुए हैं, लेकिन उसी सूरत में इस्तेमाल हुए हैं कि जब हमने उससे मफहूम मवद्दत लिया है। अगर हम मफहूम मवद्दत ना लें तो फिर वो बन जाएगा इश्क, क्योंकि कहते हैं ना कि इश्क तो कुछ नहीं देखता, इश्क किया जाता है, हाँ इश्क ना पूछे जात। तो बात यह है कि इश्क जो है वो अरबी जबान का लफ्ज है, अरबी लुगत का लफ्ज है, लेकिन अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं नहीं इस्तेमाल किया। अच्छा ठीक है, तो फिर इसके अंदर ये बराए बहस में सिर्फ कह रहा हूँ, तो रसूलुल्लाह ने गलत चीज मांगी है, बेअकलों से कहा कि मोहब्बत करो मेरे अहले बैत, वो तो बेअकल थे तो अब मोहब्बत कैसे करते हैं, वो तो उनसे कहता भाई मोहब्बत करो इनसे तो वो कर लेते बेचारे। हाँ तो कुरान भी अल्लाह ने जब नाजिल किया तो कहा अफला तअक्लून, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते हो, यानी दीन जो आया है वो साहिबान अकल के ही लिए आया है, जिसके पास अकल नहीं है उसके लिए दीन भी नहीं। ठीक है, तो अजर भी उनसे मांगना चाहिए ना जिनके पास अकल थी, मगर बारह चले छोड़। हाँ तो वो कुरान भी अल्लाह ने उन्हें के लिए नाजिल किया जिनके पास अकल थी, और इतने सारे भेड़ बकरी ये पैदा कर दिए अकल नहीं है, कुरान भी नहीं है। अच्छा चले, तो अगर किसी के पास अब सवाल नहीं है तो फिर हम मौलाना साहब से इजाजत चाह लें, और अगर सवाल है तो आप बेदरे पूछ लें, अभी भी मौका है आपके पास। खुदा हाफिज। शुक्रिया, खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब।
सेशन आपको पसंद आया तो हमें खुशी हुई, हमें तो ये फिक्र हो रही थी कि आप लोगों को सेशन पसंद नहीं आया शायद। नहीं नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में पहले से क्वेश्चन तैयार करके रखेंगे। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। ठीक है, तो फिर आप तमाम हजरात ख्वातीन का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम ने चाहा बशर्ते हयात, अच्छी बात है। खुदा तौहीद के ऊपर इंशाल्लाह फिर हमारे सामीन भी तैयार होके आएंगे और हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि तौहीद के ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि बहुत सख्त जरूरत है तौहीद पर गुफ्तगू करने की, और पहलू इतने ज्यादा हैं तौहीद पर बात करने के कि अगर बरसा बरस गुफ्तगू होती रहे तो भी पूरी नहीं होगी, लेकिन बहरहाल एक हद तक तो होना चाहिए। जी अच्छी बात है। अच्छा हजरात खवातीन हजरात सामीन इकराम, खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।